हैं। देखिए क्या है कि काम और समय, ठीक है, काम और समय, इसी से सारी चीजें बेसिक चीज समझ गए ना। अगर स्टार्टिंग की 20 मिनट अगर आपने अच्छे से देख लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिर्फ स्टार्टिंग की 20 मिनट आपको देखना है, यानी वर्क एंड टाइम, ठीक है, वर्क एंड टाइम। अब इसमें क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है काम और समय मिलने वाला है। कोई काम होगा, बोला जाएगा कि इतने समय में किया गया, तो इतने काम को कितने समय में किया जाएगा, बस काम और समय का मतलब है। देखिए जैसे कि हम देख लेते हैं कि बोला गया कि राम और श्याम दो दोस्त हैं, एक है राम है और एक है श्याम है। आपको बोला जाएगा कि राम है काम को 10 दिन में करता है, ठीक है, और बोला जाएगा श्याम है वो कितने दिन में करता है, वो 15 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, इसका एलसीएम लेना है। सबसे पहले इसका क्या लेना है, हमें एलसीएम लेना है, ठीक है, इसका क्या लेना है, हमें एलसीएम। अब एलसीएम क्या होता है, ठीक है, एलसीएम वो संख्या होती है जो इस इन दोनों से डिवाइड हो जाए, भाग हो जाए। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा हमारा एलसीएम। कितना आ गया, 30 एलसीएम आ गया। अब एलसीएम क्या होता है, ये होता है आपका टोटल वर्क। क्या होगा, ये टोटल वर्क होने वाला है, मतलब कि क्या होगा, कुल कार्य, ठीक है। एलसीएम का क्या मतलब होगा, कुल कार्य, जो एलसीएम लिखा हुआ होगा ना उसको बोलेंगे हम कुल कार्य। और आपको पता है कि कुल कार्य को अगर हम दिनों से डिवाइड कर दें तो हमारे पास एक दिन का कार्य आ जाएगा। जैसे कि आपको बोल दिया जाए कि यहां पर मैं आपको बोल दूं कि हमारी 30 मैराथन क्लास चलने वाली है और आपको 10 दिन में समाप्त करनी है, तो आप क्या करोगे, 30 को 10 से भाग दोगे। तो यहां पर 30 को 10 से भाग देंगे हम, तो हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। अब ये 3 आएगा वो क्या होगी, वो इसकी कैपेसिटी होगी, वो इसकी क्या होगी, कैपेसिटी होगी, यानी कि इसकी क्षमता होगी। क्या होगी, इसकी क्षमता होगी। और कैपेसिटी और क्षमता का मतलब है एक दिन में किया जाने वाला कार्य। यहां पर जो लिखेंगे ना उसका मतलब होगा कि एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन का कार्य होने वाला है, ठीक है, समझ में आ गया। यहां पर सेम दूसरे का लिखेंगे तो 30 बटे में क्या है, यहां पर 15 है, तो इसकी कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसकी काम करने की क्षमता क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब हमसे बोला गया कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, कुल काम कितना है हमारा, यहां पर 30 काम है, 3 काम ये करता है, 2 काम ये करता है, दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे, ठीक है। एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। काम कितना करना है हमें, 30 काम करना है, एक दिन में 5 काम हो रहा है तो काटेंगे तो कितना आ गया, 6 दिन। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे, 6 दिन में कर देंगे, समझ में आ गया। अभी आपको सारी चीजें समझ में आएगी, वादा करता हूं 20 मिनट देख लेना, आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, आपको पता है कि मैराथन क्लास है, सभी टाइप के क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, और मोटिवेशन के लिए आपको मैं वो क्वेश्चन करवाने वाला हूं, आपको दिखाई देगा कि आपके पेपर में पूछे गए हैं, बाकी टाइप वाइज तो हम करेंगे ही, ठीक है। तो 6 दिन आ गया। आगे देखिए अब क्या है, आगे दूसरा क्वेश्चन बोला गया, राम श्याम हमने ले लिया, अब बोल दिया जाएगा आपको कि मोहन है एक काम को 12 दिन में करता है, एक है सोहन वो उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हम इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। कितना आ गया एलसीएम, 60 आ गया। 60 को, देखिए बार बार आपको लिखना नहीं है कि 60 को 12 से भाग देना, आपको डायरेक्ट करना है कि 60 को 12 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 60 को 15 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगी, इनकी क्षमता आ जाएगी, इनकी कैपेसिटी आ जाएगी, यानी कि एक दिन में किया जाने वाला कार्य इनका आ जाएगा। दोनों मिलकर 5 काम कौन करता है, आपका मोहन करता है, और सोहन कितना काम करता है, 4 काम करता है। दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, एक दिन में 9 काम करेंगे। तो हमसे बोला है दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये क्या है हमारा एलसीएम, मतलब कि क्या है, टोटल वर्क। टीडब्ल्यू का मतलब है टोटल वर्क है, ठीक है। 60 काम है हमारे पास, एक दिन में 9 काम हो रहा है, तो 9 छक्के 54, 54 कितने बज गए, 6 सही, 6/9 दिन आपका यहां पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। या यहां पर हमारा जो कट रहा है, ठीक है, इसको काट देते हैं, तो 3 × 6 = 9, 6 सही, 2/3 दिन आपका यहां पर आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया। तो ये कितना हो जाएगा आपका,
यहां पर 6 सही 2/3, समझ में आ गया आप सभी को? ठीक है, तो ये इस तरीके से, क्योंकि हमारा कट रहा था तो काट देते हैं, यहां से काटोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 से कटेगा तो 20 पे 3 से कटेगा, ये 3 पे, और यहां से काटेंगे तो 6 सही 2/3 आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये कट रहा है तो हम इसको काट के ही लिखेंगे, तो 6 सही 2/3 क्या हो जाएगा आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे बोला गया, देखिए अब लेडीज की भी बात कर लेते हैं कि सीता है, अब दूसरी टाइप पे चलते हैं कि सीता एक काम को 10 दिन में करती है और गीता जी हैं वो उसी काम को 15 दिन में करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, वो आ जाएगा हमारा 30। कैपेसिटी कितनी आ गई इनकी काम करने की क्षमता, 3 और 2 आ गई। 3 कहां से आया, 2 कहां से आया, ये शायद आपको पता चलना शुरू हो गया होगा कि 30 को 10 से भाग दिया तो 3 आ गया, 30 को 15 से भाग दिया तो 2 आ गया, दोनों मिलकर कितना करती हैं, 5 करती हैं। अब बेसिक क्वेश्चंस तो हम कर चुके, लेकिन आपको क्या बोला जाएगा, आपको बोला जाएगा कि 5 दिन दोनों ने साथ कार्य किया, 5 दिन दोनों ने साथ कार्य किया, कुल कार्य है 30। ठीक है, एक दिन में 5 काम कर रही हैं, 5 दिन काम साथ करती हैं तो कितना काम कर देंगी, 25 काम कर देंगी, तो 30 काम में से 25 काम हमने घटा दिया, अब हमारे पास काम बच गया 5। आगे क्या बोला गया, आगे बोला गया कि बचे हुए कार्य को, बचे हुए कार्य को सीता कितने दिन में करेगी, तो बचा हुआ कार्य 5 है, सीता एक दिन में कितना काम करती है, 3 काम, अब 5 काम करना है, 5 काम 3 से करेंगे तो 3 एकम 3 और 2/3, तो 1 सही 2/3 दिन में इस काम को समाप्त कर देगी। समझ में आ गया? आपको यहां पर यह भी बोला जा सकता है कि गीता बचे हुए कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगी, बचा हुआ कार्य कितना है, 5 है, गीता एक दिन में कितना काम करती है, 2 काम करती है, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 सही 1/2 दिन। समझ में आ गया? लेकिन यहां पर आपसे यह भी पूछ सकता है कि कुल काम कितने दिन में हुआ या पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 5 दिन दोनों ने साथ कार्य किया था, अगर इसका पूछेगा तो इसमें जोड़ देंगे, 1 जोड़ेंगे तो 6 सही 2/3 दिन हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो आपका क्या था, 5 दिन था, यहां पर 2 है तो 7 सही 1/2 दिन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमें करना है। ये अगर यहां पर अलग अलग पूछा जाता है, कभी पूछ लिया जाता है कि बचा हुआ कार्य, इसी को समझ गए तो आंसर निकालना शुरू कर दोगे, बचा हुआ कार्य और पूरा कार्य। ठीक है, तो या टोटल कार्य कितने दिन में होगा, अगर टोटल पूछेगा तो स्टार्टिंग में जो 7 किया उसको भी जोड़ेंगे और बाकी को भी जोड़ना है। आगे देखिए, आगे बोला गया कि रवि एक काम को 10 दिन में करता है, सुमन है वो उसी काम को 12 दिन में करती है, इनका एलसीएम हम लेंगे। ठीक है, एलसीएम हम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 60 आ गया, यहां से आ गया 6, यहां से आ गया 5। ठीक है, दोनों मिलकर कितना कार्य करते हैं, 11 कार्य करते हैं। समझ में आ गया? लेकिन आपसे बोला गया, आपसे बोला गया कि 5 दिन दोनों ने मिलकर कार्य किया, उसके बाद सुमन काम छोड़ के चली गई, तो बचे हुए कार्य को रवि कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, तो 5 दिन दोनों ने मिलकर कार्य किया है, एक दिन में 11 काम करते हैं तो 5 दिन में कितना काम कर देंगे, 55 काम कर देंगे, 60 काम में से 55 काम हो गया, अब कितना काम बच गया, 5 काम बच गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि सुमन काम छोड़ के चली गई, तो अब काम अकेला कौन करेगा, हमारे रवि भाई साहब अकेले काम करेंगे, और एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 काम करते हैं, तो 5 काम को कितना है, 5/6 दिन में करेंगे। ठीक है, यहीं पे अगर बोल दिया जाए कि रवि काम छोड़ के चला गया, सुमन बचे हुए कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगी, तो बचा हुआ कार्य कितना है, 5 है, और सुमन एक दिन में 5 काम करती है तो 1 दिन। तो आपसे यहां पर पूछ सकता है कुल काम कितने दिन में हुआ, तो 5 दिन यहां से 1 दिन यहां से, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 दिन आपका आंसर हो जाएगा। या आपसे पूछा जा सकता है कि बचे हुए कार्य को सुमन कितने दिन में करेगी, तो वो हो जाएगा आपका 1 दिन। ठीक है, तो सुमन कितने दिन में करेगी, 1 दिन में करेगी। इस तरीके के क्वेश्चन आपके यहां पर पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि सारी चीजें आपको समझ में आनी शुरू हो जाए। अगर इन क्लासेस जो क्वेश्चन मैंने समझाए हैं ना, अगर आप इनको सीख गए होगे ना,
क्वेश्चंस आपके लिए बिल्कुल इजी होने वाले हैं। एक बात नोट कर लेना, जितने ज्यादा मैथ्स में, एक बात बोलना चाहूंगा, मैथ्स में जितने ज्यादा आप फॉर्मूले याद करोगे ना, आप कंफ्यूज होते रहोगे, ठीक है। जितने कम फॉर्मूले आप याद करोगे, जितना अपना दिमाग लगाओगे, जो इस दिमाग में जंग लगी हुई है ना, उसको आप हटाओगे ना, उतना आपके लिए फायदेमंद होगा, उतना जल्दी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, और पेपर में वही रिस्पॉन्स आप कर पाओगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, दोनों का दिया हुआ है, बेसिक क्वेश्चन हम नहीं ले रहे, बिल्कुल बेसिक ए बी सी, ठीक है, वो तो हम कर चुके। तो क्या बोला गया कि ए और बी एक काम को 12 दिन में करते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर बोला गया कि ए और बी है वो एक काम को 12 दिन में करते हैं, ठीक है। आगे क्या बोला गया कि बी और सी उसे 8 दिन में करते हैं, बी और सी क्या करते हैं, उसे 8 दिन में पूरा करते हैं। आगे बोला गया कि सी और ए है उसे 6 दिन में कर सकते हैं, और सी और ए है उसे कितने दिन में कर सकते हैं, 6 दिन में कर सकते हैं। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करने वाला है, या बी को काम पूरा करने में कितना समय लगने वाला है। तो सभी का हमें दे दिया, तो अगर हम तीन का निकाल के देखिए, यहां पर दो दो का दिया हुआ है, ठीक है, और अगर हम तीनों का निकाल ले एक साथ और उसमें से किसी दो का घटा दें तो तीसरे का हमें पता चल जाएगा। तो उसके लिए क्या करना होता है, क्वेश्चन स्टार्टिंग वाला ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके पेपर के लेवल का क्वेश्चन है बेस्ट। यहां पर देखिए क्या है, यहां पर हम इसको लिखेंगे, तो देखिए पहले क्या करते हैं, ये लिखा हुआ है तो इसका हम एलसीएम लेंगे, तो 12, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं छोटा कर देता हूं ताकि एलसीएम आपको अच्छे से दिखाई दे जाए। क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा इसका, 24 एलसीएम आ गया, इसको भाग देंगे तो इसकी कैपेसिटी आ जाएगी 2, इसको करेंगे तो इसकी आ जाएगी 3, इसको करेंगे तो इसकी आ जाएगी 4, तीनों की कितनी आ गई, यहां पर आ गई हमारी 9, 4, 3, 7 और 2, 9, ये हमारी कैपेसिटी आ गई। लेकिन यहां पर एक बात नोट करेंगे, यहां पर ए है वो 2 बार आ गया, बी है वो 2 बार आ गया, सी है वो 2 बार आ गया, सभी 2-2 बार आ गए, तो 2 कॉमन लिखेंगे और ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और बराबर इनकी कैपेसिटी कितनी है, 9 है, 2 इधर है, बराबर में उधर जाएगा, बटे में चला जाएगा, बटे में जाते ही यहां पर कितना बन जाएगा, 4.5 बन जाएगी, ठीक है, और ये यहां से हटके बटे में चला गया तो यहां से हट जाएगा। अब तीनों की कैपेसिटी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, इनकी कैपेसिटी कितनी होगी हमारी, 4.5 होगी, मतलब कि 4.5 हो गई। एक दिन में कितना काम करते हैं, ये 4.5 काम करते हैं। हमें क्या पूछा है, हमसे पूछा है बी अकेला कार्य कितने दिन में करेगा, तो बी का पूछा है, अगर हम इसमें ए और सी का घटा दें तो बी की हमें कैपेसिटी पता चल जाएगी, तीनों की कैपेसिटी है 4.5 और ए और सी की है 4, तो इसमें से ए और सी की 4 घटा देंगे तो हमारे पास बी की आ जाएगी जो कितनी आ गई हमारी, 0.5, यानी कि आधी, ठीक है। तो बी का काम पूछा है, 24 काम है, एक आधा काम करता है, एक दिन में कितना काम करता है, आधा काम, क्योंकि हम जो कैपेसिटी लिखते हैं वो एक दिन की होती है, एक दिन में कितना काम कर रहा है, 0.5 का मतलब आधा काम कर रहा है, आधा काम करता है, तो 24 काम को कितने दिन में करेगा, 48 दिन में, समझ में आ गया, ठीक है। तो 24 काम को कितने दिन में कर देगा, 48 दिन में कर देगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, ठीक है, समझ में आया ना सभी को। देखिए क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है, शानदार है, समझ जाना, ठीक है, क्लास देखते रहना, सब कुछ समझ में आ जाएगा, कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूजन आपका दूर कर दिया जाएगा, क्लास देखते रहोगे सब कुछ समझ में आने वाला है। ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, ए है वो अकेला किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर देता है। आगे बोला गया कि ए तथा बी मिलकर उस कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और बी मिलकर, ए प्लस बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर देते हैं, 8 दिन में कर सकते हैं। तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है, इसको छोटा कर लेते हैं, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, अब एलसीएम ले लेंगे हम इसका, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया हमारा, यहां पर 24 एलसीएम आ गया, इसकी क्षमता आ गई 2, इसकी क्षमता आ गई 3, ठीक है। यहां पर है ए और बी, यानी कि दोनों के काम करने की एक दिन की क्षमता है 3 है, ठीक है, 3 है, और ए अकेले की 2 है, ठीक है, जो ए अकेला है उसकी कितनी है, 2 है, तो 3 में से 2 घटा देंगे तो हमें बी की पता चल जाएगी, तो बी की कितनी होगी, अब बी की काम करने की क्षमता होगी 1,
ठीक है, इसकी दो है, इसकी एक है, दोनों को जोड़ेंगे तीन होगी। अब हमसे पूछा क्या गया है उसको देख लेते हैं। तो हमसे पूछा गया कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। बी एक दिन में एक कार्य करता है तो 24 कार्य कितने दिन में करेगा, 24 दिन में। सिंपल सा क्वेश्चन है ना, लेकिन पेपर में आपके पूछा जाएगा, ठीक है। 24 दिन आपका यहां पर आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर एक में दिया हुआ है। समझ में आया ना, पहला जबरदस्त क्वेश्चंस मैंने सिखा दिया है। अब आप कितने भी हार्ड क्वेश्चंस होंगे ना, आप कर पाओगे। बहुत नए नए क्वेश्चंस, नए नए टाइप आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिलेंगी। देखना जबरदस्त क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है। तो एक क्लास है ना, मैराथन क्लास है, तो इसको पढ़ते समय इंजॉय करना, ठीक है। सब कुछ साइड में रख देना, पूरा ध्यान आपका इस पे होना चाहिए, पूरा फोकस इस पे होना चाहिए, ठीक है। फोन को ऐसे मत रखना, ऐसे घुमा लेना ताकि जो नीचे डिस्टरबेंस होती है ना वो आपको ना हो। समझ में आ गया। तो यहां पर देख लीजिए क्या है कि ए कोई काम को 6 दिन में कर लेता है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि ए है वो किसी काम को 6 दिन में कर लेता है। आगे देखिए क्या है, बी उसी काम को 9 दिन में। तो जो बी है हमारे कितने दिन में कर लेता है, 9 दिन में कर लेता है। यदि दोनों मिलकर काम करे तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, पहले सिर्फ इसका एलसीएम लेना है, टोटल वर्क निकालना है, वो कितना हो जाएगा हमारा 18। काम करने की क्षमता आ गई 3 और 2, काम कितना कर रहे हैं दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं। काम करना है 18, तो 18 काम को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 × 3 = 15, 3 बच गया 0 और 5 × 6 = 30, तो 3.6 आपका यहां पर आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। कितना, 3.6। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस था, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जिनको शायद इसमें निकालने में दिक्कत हुई हो, लेकिन अब आप सीख जाओगे, ठीक है। चाहे आपको कुछ भी नहीं आता, अगर आप 0 हो ना मैथ में, तब भी आप 60 दिन तक क्लास लेते हो ना मैराथन, 30 दिन मैथ की 30 दिन रीजनिंग की, दोनों में आप पूरा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, जब विश्वास बनाया है तो उस विश्वास को जगा के रखना, ठीक है। उम्मीद कभी मत टूटने देना, उम्मीद बहुत बड़ी चीज होती है। बोला जाता है ना कि उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, ठीक है। तो उम्मीद जगाई है ना तो उसको टूटने मत देना। बोला गया कि ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, तो ए है वो कितने घंटे में कर सकता है, 4 घंटे में। बी है, बी और सी 3 घंटे में कर सकते हैं। अब बी और सी का दिया हुआ है, दोनों का दिया हुआ है कि बी और सी है वो 3 घंटे में कर सकते हैं। आगे क्या दिया हुआ है कि ए और सी है उसे 2 घंटे में कर सकते हैं, ए प्लस सी है वो इसे 2 घंटे में कर सकते हैं, ठीक है। तो बी अकेला उसे कितने घंटे में करेगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या लेंगे, इसका एलसीएम हम लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा, 12 एलसीएम आ गया। इनकी काम करने की क्षमता 3, इसकी 4 और इसकी 6। मैं कैसे लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है ना क्यों लिखा है मैंने, कि 12 को 4 से भाग दिया 3 आया, 12 को 3 से भाग दिया 4 आया, 12 को 2 से भाग दिया 6 आया, ठीक है। अब देखिए यहां पर ए प्लस सी की कैपेसिटी, ये काम करने की क्षमता है 6, और ए की दी हुई है हमें 3। अगर 6 में 3 घटा देंगे तो हमें ए की तो पता है, सी की पता चल जाएगी। तो अगर इसमें से 3 घटाया तो कितनी आ गई यहां पर सी की, यहां पर सी की कैपेसिटी आ गई 3, क्योंकि 6 में 3 गया 3 बचा, तो सी की कैपेसिटी कितनी आ गई, 3 आ गई। अगर यहां पर हमें सी की पता है, उसमें से बी और सी की में से अगर सी की घटा देंगे तो बी की पता चल जाएगी, बी और सी की है 4, 4 में से 3 घटा देंगे 1 बच गई, ठीक है। वो हमारी किसकी बच गई, वो बी की बच गई, ठीक है। बी की कैपेसिटी कितनी है, काम करने की क्षमता कितनी है, 1 है। काम कितना है, 12, तो कितने घंटे में हो जाएगा, 12 घंटे में हो जाएगा, क्योंकि एक घंटे में एक काम करेगा तो 12 काम कितने घंटे में करेगा, 12 घंटे में। और ये पता है ना 12 क्या होता है, एलसीएम होता है, कुल काम होता है, टोटल वर्क होता है, ठीक है। आगे देखिए कि ए बी सी किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं। तो हम यहां पर लिख लेते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी है वो किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। आगे क्या बोला गया कि ए और बी मिलकर उसे 50 मिनट में कर लेते हैं। तो ए प्लस बी मिलकर कितने मिनट में कर लेते हैं, 50 मिनट में कर लेते हैं। आगे देखिए क्या है, तो सी अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा ये हमें बताना है, ठीक है।
तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आया 150, यहां से आ गया 5, यहां से आ गया 3, ठीक है। यहां से देखिए तीनों की क्षमता कितनी है, 5 है, और बी ए और बी की क्षमता कितनी है, 3 है। अगर तीनों की में से 2 की घटा देंगे तो तीसरे की हमें पता चल जाएगी, और वो कितनी होगी, घटाएंगे तो 2 आ रही है, तो सी की काम करने की क्षमता कितनी आ गई हमारी, 2 आ गई। तो हमसे पूछा सी अकेला कितने दिन में करेगा, तो 2 है, काम कितना है कुल 150 है, स्पीड क्या है एक दिन की 2, तो कितने दिन में करेगा, कितने मिनट में करेगा, मिनट दिया हुआ तो मिनट, कितने मिनट में करेगा, 75 मिनट में, क्योंकि काटेंगे तो 75 आ जाएगा, 75 दूनी 150, तो 75 मिनट क्या हो जाएगा आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना, कि हमारे पास 3 का दिया हुआ था, यहां पर 2 का दिया हुआ था, तो 3 के में से 2 का घटाया तो तीसरे का सी का हमें पता चल गया, सी की कैपेसिटी कितनी आ गई हमारी, 2 आ गई। कुल काम है हमारे पास 150, 2 से उसको भाग देंगे तो वो आ जाएगा कि कितने मिनट में काम करेगा। आगे देखिए क्या है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है और देख सकते हो कि एसएससी जीडी में पूछा गया है, ये मोटिवेशन के लिए है, ठीक है, मोटिवेशन के लिए। पता चले 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए अनु एक पुस्तक की प्रति 18 दिन में तैयार कर सकती है, यदि वह कार्य 12 दिन में पूरा करना हो तो अनु को प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा। तो देखिए काम, काम वाले का एक फॉर्मूला है, ठीक है, वो फॉर्मूला मैं आपको सबसे पहले लिखवा देता हूं, याद करवा देता हूं, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में बहुत काम आने वाला है। वो फॉर्मूला है आपका M1B1H1 बराबर M2D2H2 बटे में W1 और W2। अब ये चीज क्या है मैं आपको यहां पर बता देता हूं। M का मतलब है मैन आदमी, ठीक है, मैन आदमी यानी काम करने वाले व्यक्ति, कोई भी हो सकता है, व्यक्ति हो जाए, ठीक है, स्त्री हो जाए, पुरुष हो जाए, बच्चे हो जाए, कुछ भी दिया गया हो उसकी जगह पे हम लिखेंगे। डी का मतलब होता है डेज यानी दिन, जो दिन कार्य किया जा रहा है। एच का मतलब है हावर यानी कि घंटे, कितने घंटे कार्य किया जा रहा है। और यह M1D1H2 क्यों लिखा हुआ है दो बार, क्योंकि अलग अलग दिए हुए होंगे तब हम उसका यूज करेंगे। और W का मतलब है वर्क, कभी कभी आपको दे दिया जाएगा कि कोई काम किया गया, कि इतना काम किया गया, आगे क्वेश्चंस करेंगे ना तब आपको वहां पर क्वेश्चंस में देखने के लिए मिलेगा, तब आपको समझ में आएगा। तो इसमें देखिए क्या है कि 8 घंटे, और अगर इनमें से कोई चीज नहीं दी हुई ना तो उसको हम छोड़ देंगे। ऐसा नहीं है कि अगर घंटे नहीं दिए हुए, सर इसमें तो घंटे नहीं दिए हुए, फॉर्मूला कैसे लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं दिए हुए तो इसको नहीं लिखेंगे हम, यहां पर भी नहीं दिए हैं तो नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। W नहीं दिया हुआ तो W को नहीं लिखेंगे, जो जो दिया हुआ है उसको कंपेयर करना है, बस सेम बात है। तो 8 घंटे तो ये हावर हो गया, और अनु एक पुस्तक को 18 दिन में काम करती है, 8 घंटे और 18 दिन, और बराबर में बटे में लिख लेते हैं इसको तो आसानी से कट जाता है और हमारा आंसर निकल जाता है, ठीक है। 8 दिन 18 घंटे कार्य करती है, आगे क्या बोला गया, पहले बराबर में लिख लेते हैं, यदि वह कार्य 12 दिनों में पूरा करना हो तो दिन कितने हैं, 12 हैं, तो अनु को कितने दिन प्रतिदिन प्रति घंटे काम करना पड़ेगा, घंटे का नहीं पता, एक्स घंटे मान लेते हैं, दोनों कंपेयर हो गए, एक्स हमारा इधर रहेगा 12 इसके बटे में आ जाएगा, काटेंगे 6 दुनी 12, 6 3 18, 2 चौके 8, 4 गुना 3 कितना आ गया, 12 आ गया, तो कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा, 12 घंटे कार्य करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया, समझ जाओगे। इस टाइप के पता नहीं मैं अभी कितने क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, तो सब कुछ समझ जाओगे, ठीक है, घबराना नहीं है। एक क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया तो घबराना नहीं है, सब कुछ समझ जाओगे, और मोटिवेशन देख लिया करो, ठीक है, ये चीजें है ना वो आपको कहीं नहीं देखने के लिए मिलने वाली, इसमें भी देख लेना, ठीक है। अब देखिए क्या है कि ए बी सी अकेले काम को 10, 12 और 15 दिन में पूरा करती हैं। ए है करती है कितने, 10 दिन में, बी कितने दिन में करता है, 12 दिन में, सी कितना करता है आपका, 15 दिन में करता है, एलसीएम आ गया आपका कितना आ गया, 60 आ गया, 6 आ गया, यहां से 5 आ गया, यहां से 4 आ गया। ये सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि दिन दिया हुआ है, टोटल वर्क हम निकाल लिया, जो हमारा एलसीएम हुआ
और कैपेसिटी क्षमता हम निकाल लेते हैं भाग देके। ये सबसे पहले फास्ट आपको कर लेना है, तभी आप जल्दी निकाल, क्योंकि क्वेश्चन जल्दी भी निकालने हैं ना, पूरा पेपर भी हमें सोल्व करना है। आगे देखिए क्या है, यदि वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करें तो काम को पूरा करने के लिए कितने दिनों की संख्या होगी। बिल्कुल सिंपल सा है, एक साथ काम करना शुरू कर रहे हैं तो कितना काम होगा, 6, 5, 11, 4, 15 काम हो रहा है। एक दिन में कितना काम करेंगे, 15 काम। 60 काम करना है, 60 काम है, एक दिन में 15 हो रहा है तो 15 से भाग देंगे तो कितना आ गया, 4 दिन आ गया। इतने बेसिक क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चंस की लैंग्वेज देखिए आपको यहां पर बहुत बड़ी लग सकती है, देखिए यहां पर क्वेश्चंस की लैंग्वेज बहुत बड़ी है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल क्या है, बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल जिसको हम बोल सकते हैं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन पेपर में पूछा जाता है। आगे देखिए क्या है, यदि 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं तो 12 आदमी उसी काम को कितने समय में करेंगे। तो देखिए क्या है कि 10 आदमी गुना में 12 दिन, सेम वही फॉर्मूला हमारा, 12 आदमी कितने दिन, एक्स इधर लेके आएंगे तो ये 12 है वो इसके बटे में आ जाएगा, 12 से क्या हो गया, 12 कैंसिल हो गया, कितना दिन बच गया, 10 दिन बच गया। यहाँ पे कितना बच गया, जो बच गया वही आपका आंसर। सिंपल क्वेश्चंस, मैंने बोला ना इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो पेपर में आते हैं आपके, ठीक है, देखते रहना बस आप। ए किसी कार्य को 2 दिन में, बी 3 दिन में और सी की सहायता से 1 दिन में पूरा कर लिया गया। अब देखिए क्या है, ए किसी कार्य को 2 दिन में करता है, बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है, 3 दिन में करता है। आगे ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चंस में थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा दी गई, स्टूडेंट घबरा जाते हैं, ठीक है, गलतियां कर देते हैं, लेकिन आपको गलती नहीं करनी है, क्योंकि कौन हो आप प्रवीण कटारे क्लासेज के चीते हो। एक एक छोटी छोटी गलती मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर स्टूडेंट गलतियां करते हैं, आपको नहीं करनी। देखिए क्या है, यहां तक लिख लिया, अब स्टूडेंट सी की सहायता से उन्होंने मिलकर उसे 1 दिन में पूरा कर लिया। अब बहुत सारे स्टूडेंट लिख देंगे सी 1 दिन में, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं बोला गया, जो बोला गया है ना हमें उसी को लिखना है, तभी हमारा क्वेश्चन सही हो पाएगा। सी की सहायता से उन्होंने, उन्होंने मतलब दो पहले लगे हुए ना, ए और बी, और सी की सहायता ली है, तो इसका मतलब किसने काम किया है, तीनों ने मिलकर काम किया है, ए प्लस बी प्लस सी, और तीनों ने मिलकर 1 दिन में काम किया है, समझ में आ गया ना, सी की सहायता से। आगे पूछा गया कि सी अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा, ठीक है, अगर सी का पहले ही दे दिया जाता, अगर मान लेते हैं कुछ स्टूडेंट ऐसे सोच रहे होंगे सर ये सी का दिया हुआ है, तो सी का अगर दिया हुआ होता तो आगे क्यों पूछता कि सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है, ये छोटी सी लैंग्वेज कि सी की सहायता से उन्होंने, ठीक है, बस इसी ने क्वेश्चंस को चेंज कर दिया, क्वेश्चंस की थिंकिंग को चेंज कर दिया। तो ये आ गया 1, अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ गया 6, यहां से आगे 3, ये 2 और यहां से आ जाएगी 6, तीनों की काम करने की क्षमता कितनी है, यहां पर 6 है, और ए और बी की 3 और 2 5 है, तो सी की कितनी आ जाएगी, हमारी कैपेसिटी 1 हो जाएगी, क्योंकि 6 में से 5 माइनस कर लेंगे तो कितना आ गया, 1 आ गया। अब क्या पूछा है, सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, टोटल काम कितना है, 6 काम, 1 दिन में 1 काम हो रहा है तो 6 काम 6 दिन में होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा, कितना दिन, 6 दिन, समझ में आ गया इस तरीके से। आगे देखिए इस क्वेश्चन को आप तभी सोल्व करोगे और मुझे कमेंट करके इसका आंसर देने वाले हो, बस जिस स्टूडेंट ने इसका एलसीएम निकाल लिया ना, एलसीएम निकाल लिया वो इस क्वेश्चन को सोल्व कर देगा, ठीक है, एलसीएम निकालना सीख जाना, मैंने क्लास डाली हुई है, सर्च कर लेना इस क्लास को देखने के बाद, ठीक है, एलसीएम प्रवीण कटारिया, एचसीएफ प्रवीण कटारिया आपको मिल जाएगी, छोटी सी वीडियो है, देखोगे तो बिल्कुल बेसिक से सिखाया हुआ है, ठीक है, अगर आप क्लास मिस करते हो ना ये उसी का नुकसान होता है। आगे देखिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिन में कर सकते हैं, तो देखिए क्या है कि 30 आदमी है सड़क की मरम्मत 18 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, आगे क्या बोला गया, यदि उनके साथ 6 अन्य श्रमिक और लगा दिए जाए, 30 श्रमिक तो रहेंगे, अब 6 नए श्रमिक और लगा दिए जाए तो कितने हो जाएंगे, अब 36 हो जाएंगे, तो वो कितने दिन में बनाएंगे कि हमसे पूछा है x का मान, तो ये कितना आ जाएगा, ये 36 इसके बटे में आ जाएगा,
यहां से काटेंगे 18 दूनी 36, दो से काटेंगे कितने पे 15 पे, तो कितना आ जाएगा यहां पर 15 दिन। ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस था, बस समझ जाना कि 30 आदमी एक सड़क को 18 दिन में बनाते हैं, लेकिन यहां पर क्या सोचना है, यदि उनके साथ 6 अन्य, कभी यहां पर एक संख्या दे दी जाएगी कि इतने आदमी उस सड़क की को कितने दिन में मरम्मत करेंगे। ठीक है, लेकिन कभी आपको बोल दिया जाएगा कि 6 अन्य आ गए या 6 नए आ गए, ठीक है, तो कुल मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो इस तरीके से पूछ लिया जाता है। समझ में आ गया, आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। एक किसान प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 18 दिनों में जोत देता है खेत को, ठीक है, तदनुसार वही कार्य 12 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा। सिंपल सा है, ठीक है, सिंपल सा है कि 6 घंटे कार्य करता है तो 18 दिन में 12 दिन के लिए क्या करेगा, 6 दुनी 12, 2 नी में 18, 9 घंटे कार्य करना पड़ेगा उसको। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं बार बार, ये टाइप है ना इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो यहां पर। ठीक है, अब देखिए क्या है कि ए काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, दोनों उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अगर इतनी क्लास देखी आपने और फिर भी अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल पाए ना, तो इसका मतलब आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। ठीक है, जो आपका लक्ष्य है एसएससी जीडी का, उससे आप कहीं भटक रहे हो, ठीक है, आपका ध्यान कहीं है। इतना इतना बेसिक क्वेश्चन आप समझ सकते हो आपके पेपर का लेवल क्या है, और हम क्वेश्चन किस लेवल के कर रहे हैं कि पेपर भी कितना भी अच्छा आ जाए तो हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमें क्या नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हो, ठीक है, इसका आंसर क्या कर देना, कमेंट कर देना, बिल्कुल बेसिक सा है। और इसका एलसीएम भी सिंपल सा है, मैं आपको यहां पर बता देता हूं, 60 इसका एलसीएम आएगा। अब आंसर बता देना आप। आगे देख लीजिए, यह भी आपका एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल में ही पूछा गया क्वेश्चन है। कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग। देखिए क्या है, कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो कुछ काम ही नहीं पता, तो हमने मान लिया कि एक्स आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। आगे क्या बोला गया कि उनसे दुगुना आदमी, दो गुना आदमी, दो गुना मतलब दुगुना, दो गुना है, तो यहां पर एक्स आदमी थे तो दो गुना क्या हो जाएगा, दो एक्स आदमी हो जाएंगे। ठीक है, आधे काम को, अब काम क्या हो गया, आधा काम हो गया। ठीक है, आधा काम को, तो अगर एक्स आदमी होता तो एक्स आदमी होता तो इसका आधा काम कितना हो जाता, 6 दिन का काम हो जाता। ठीक है, 6 दिन में होता आधा काम, तो बोला गया है कि दो गुने आदमी आधे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। ठीक है, और आंसर निकल जाएगा कि 12 दिन में पूरा काम करता था, कोई भी आदमी दिया हुआ है वो 12 दिन में काम को करते थे, लेकिन उनका आधा काम 6 दिन में। तो मान लेते हैं पहले एक ही आदमी था, हमें नहीं पता, लेकिन हमने मान लिया कि एक आदमी था वो आधे काम को 6 दिन में कर देता। अब आपको बोल दिया गया कि दो आदमी आ गए, ठीक है, एक था एक और आ गया, दुगने आदमी है, तो काम को कितना दिन में करेंगे, कम दिन में, आधे दिन में करेंगे। एक आदमी 6 दिन में करता तो दो आदमी उस काम को कितने दिन में कर देंगे, 3 दिन में कर देंगे। समझ में आ गया ना, तो 3 दिन आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। बेसिक से फिर से समझा देता हूं, जैसे आपको बोल दिया गया कि आपके पास 12 क्लास है, क्लासेज के ऊपर ही डिपेंड कर लेना, आपको बोल दिया गया कि आपके पास 12 क्लास है। ठीक है, तो 12 क्लास से नहीं समझोगे, वैकेंसी से आप बड़ा जल्दी समझ जाओगे। आपको बोला गया कि 12 वैकेंसी है, ठीक है, और उनकी वैकेंसी आधी कर दी गई तो 6 वैकेंसी हो गई, और आदमी आ गए 2, तो एक आदमी का कंपटीशन कितनी वैकेंसी पे होगा, 3 पे हो जाएगा ना, भाग देते ही। सेम ऐसा ही है, 3 दिन आपका यहां पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक वैकेंसी के लिए लड़ रहे हो, आपको पता है ना, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, एम पता होना जरूरी है। देखिए क्या है, यदि 80 व्यक्ति किसी कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 16 दिनों में पूरा कर लेते हैं, ठीक है, तो 64 व्यक्तियों को वही कार्य 15 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा, यह हमें बताना है। तो सेम हमने जो फॉर्मूला लगाया था ना, कौन सा, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 और H2, तो सेम दिया हुआ है, मेन दिया हुआ है पहले 80, तो 80 लिखेंगे गुना में, घंटे दिया हुआ है, हावर दिया हुआ है 6 उसको लिखेंगे, दिन दिया हुआ है 16 उसको लिखेंगे, बराबर यहां पर दिया हुआ है 64 व्यक्ति
15 दिन और हमसे घंटे पूछा है, तो यहां पर x का मान हम निकालेंगे, तो ये x इधर रखेंगे, बाकी इसके नीचे चला जाएगा, 64 और 15 क्या होगा, इसके बटे में आ जाएगा, 64 गुना में 15 है, बस इसको काटना है, काटेंगे 16 चौके 64, ठीक है, 4 से आएगा तो 20 चौके 80, 5 तीये 15, 5 चौके 20 और 3 दुनी 6, तो यहां से बच गया 4 गुना 2, तो 4 गुना 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो हमारी x का मान कितना हो गया, 8 हो गया, तो कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा, 8 घंटे कार्य करना पड़ेगा, समझ में आ गया ना, बस ये फॉर्मूला समझ लेना, ठीक है, कुछ नहीं करना आपको इसमें, रखना है पहले 3 दिए हुए हैं, 3 रख देंगे, 2 दिया हुआ है 2 रखेंगे, एक तीसरा निकालना है तो उसकी जो निकालना है उसकी जगह x रख देंगे, बाकी इसके बटे में ले आएंगे, बस काटना ही है, और काटता ही क्या हो जाएगा, आपका आंसर निकल के आपके सामने आ जाएगा। आगे देखिए क्या है, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 55 दिन में पूरा कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, कुछ व्यक्ति है वो किसी कार्य को 55 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि 6 व्यक्ति और हो तो कार्य पूरा करने में 11 दिन कम लगेंगे, ठीक है, तो मान लेते हैं पहले x व्यक्ति थे और वो काम को 55 दिन में करते थे, अब क्या आ गया, x प्लस 6 व्यक्ति हो गए, ठीक है, और वो काम को 11 दिन कम में कर रहे हैं, मतलब कि 11 दिन कम, मतलब पहले 55 दिन लग रहे थे, अब 11 दिन कम लगेंगे, मतलब क्या होगा, 55 माइनस 11, तो 55 माइनस 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 44 दिन लग रहे हैं, तो गुना में हम लिख देंगे 44, बस इसको सोल्व करते ही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, यहां से हो गया हमारा 55x और इधर से हो गया कितना हमारा 44x प्लस में इसको करेंगे तो 6 चौके 24, 2 24 2 26 264, ठीक है, ये यहां से इधर आएगा तो कितना बच जाएगा, 11 बच जाएगा कि 55x में से 44x बच गया, तो 11x बच गया, तो यहां पर हम लिख देते हैं कि 11x बराबर कितना आ गया आपका, 264 आ गया, x बराबर क्या हो जाएगा 264 बटे 11, तो काटेंगे 11 दूनी 22, 4 बच गया, 44 हो गया, 11 चौके 44, तो 24 आपका क्या हो जाएगा, यहां पर आंसर हो जाएगा, जो किसमें दिया हुआ आपका, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, समझ में आ गया ना कहां से आया है ये, बस सिंपल दिया हुआ था कि पहले 55 दिन में हो रहा था, फिर 11 दिन कम लग रहे हैं, तो 55 में से 11 दिन घटा देंगे तो 44 दिन लग रहे हैं, बस सिंपल सॉल्यूशन क्या आपका आंसर निकल गया, ठीक है, आगे देखिए क्या है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं, दिल थाम के बैठना, ठीक है, दिल थाम के बैठना अगर सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है, मेहनत करते रहो, मेहनत से कभी भी मतलब कि घबराना नहीं है, ठीक है, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, बस आपको क्या करना है, आपको देखना है, ठीक है, और जब क्लास देख लो फिर इसके बाद इसकी प्रैक्टिस करनी है, बस यही चीजें कर लोगे तो जो सिलेक्शन नाम का शब्द सुना है ना वो आपका हो जाएगा, ठीक है, तो सिलेक्शन हो जाएगा, मेहनत कर लो बस। देखिए क्या है कि ए किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को आधे समय में पूरा कर सकता है, देखिए क्या है कि ए है उसे 18 दिन में करता है और बी है उससे आधे समय में करता है, मतलब कि 9 दिन में कर देगा, आगे क्या बोला गया, यदि वो दोनों मिलकर 7 काम करें तो एक दिन में काम का कितना भाग पूरा होगा, तो पहले काम देख लेते हैं, एलसीएम कितना आ गया 18, यहां पर 1 और 2, तो एक दिन में कितना काम करेंगे दोनों मिलकर, 3 काम करेंगे, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, हमसे पूछा गया है वो दोनों मिलकर एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा करेंगे, भाग पूछ लिया जाता है, ठीक है, क्वेश्चंस डिफरेंट आ गया ना, समझ में आ रहा है, क्लास जो देख रहे हैं ना पूरी क्लास उनको समझ में आ रहा होगा कि नए नए टाइप के क्वेश्चंस पेपर में ऐसे ही मिलते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, तो एक दिन में काम करता है कितना, 3 काम करता है, ठीक है, कुल काम कितना है 18 काम है, तो 3 एकम 3, 3 6 18, तो कितना काम करेगा 1/6 भाग काम करेगा, ठीक है, कितने काम करेगा 1/6 भाग, तो 1/6, समझ में आया ना कहां से आया, 3 कहां से आया, ये रहा, एक ये करेगा 2 ये करेगा, दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, क्योंकि दोनों मिलकर बोला है तो 3 काम करेंगे, कितना भाग करेंगे तो उसके बटे में कुल काम को लिखेंगे, पहले हम क्या कर रहे थे, अगर हमें दिन पूछ रहा था तो पहले काम को ऊपर लिखते थे और हम 3 से भाग दे देते थे जो हमारी क्षमता होती थी, जो कैपेसिटी होती थी, लेकिन इसमें भाग पूछेगा तो भाग पूछेगा तो जो हमारा क्षमता होगी उसको ऊपर लिखेंगे और जो हमारा टोटल वर्क होगा उसको नीचे लिखेंगे, ताकि हमें भाग पता चल जाए कितना भाग, भाग का मतलब है कितना हिस्सा, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा हो तो कितना हिस्सा,
ठीक है, कौन सा हिस्सा बोलते हैं ना, कितना हिस्सा पूरा हो गया या कितना प्रतिशत पूरा हो गया, अगर प्रतिशत में प्रतिशत पूछ लिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि ए और बी किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, ए प्लस बी है वो किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। आगे बोला गया कि बी और सी उसी कार्य को, बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, सी प्लस ए उसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। यह हमसे बोला गया है तो ए है वो कितने दिन में पूरा करेगा ये हमें बताना है। ठीक है, ये हमें बताना है कि ए कितने दिन में पूरा करेगा, तो इसको हम बताएंगे। देखिए कैसे, पहले इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे कितना आ गया, 60 आ गया, यहां से 4 आ गया, यहां से 5 आ गया, यहां से 6 आ गया। ठीक है, तीनों की जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर 15 आ गया। यहां पर दो बार ए आया है, दो बार बी आया, दो बार सी आया, पहले क्वेश्चन में ही समझा दिया था मैंने, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, जो यहां पर दो आएगा इसको भाग देंगे तो 15 को 2 से भाग देंगे, 7.5 आ जाएगा। ठीक है, 7.5 आ जाएगा। तो हमें पता चल गया कि तीनों की कैपेसिटी है वो 7.5 है, हमें ए का निकालना है, तो अगर तीनों की में से बी और सी की घटा दें, ए की पता चल जाएगी, बी और सी की कितनी है, 5 है, तो 7.5 में से माइनस का 5 कर देंगे तो कैपेसिटी कितनी आ गई आपकी, 2.5 आ गई। ठीक है, तो ए की काम करने की क्षमता कितनी आ गई हमारी, 2.5 आ गई। कुल काम कितना है, 60 काम है, एक दिन में 2.5 होगा, पॉइंट हटाने के लिए ऊपर लिख लेंगे, काटेंगे तो कितने पे जाएगा, ये 24 पे कट जाएगा। ठीक है, तो 24 आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। अब काटा कैसे मैं आपको समझा देता हूं, वैसे आप अपने हिसाब से काट लेना, 5 से भी काट सकते हो, देखिए 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25 और इसको काटा 12 है, तो 12 × 2 = 24 इस तरीके से। या अगर आप ट्रिक्स देखोगे, जो जीरो टू हीरो पढ़ रहा होगा उसको पता होगा क्या है कि 25 से 100 काटते हैं, तो 100 के लिए 2 जीरो चाहिए, तो 25 से काटा 4 पे, तो 4 तो 100 को काटने पे आ गया, 6 था, 6 × 4 = 24, तो डायरेक्ट हमने इस तरीके से लिखा है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, आगे है कि 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 20 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो एमडीएच वाला ही है। आगे बोला गया कि 12 आदमी 12 दिन में कार्य पूरा करने के लिए 20 आदमी को प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा, बिल्कुल सिंपल सा है, ऊपर तीनों को गुना करना है हमें, कितना 15 × 8 × 20 और बटे में क्या लिखना है, 20 × 12, इससे एक कट गया, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 4 × 2 = 8, 5 × 2 = 10, 10 घंटे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस करवा चुका हूं इसलिए स्पीड से हमने निकाल दिया। ये क्वेश्चंस थोड़ा अच्छा है, ध्यान से देखना क्या है कि एक्स एक चौथाई काम 6 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि क्या बोला, एक्स एक चौथाई काम 6 दिन में पूरा कर लेता है, तो एक्स है एक चौथाई मतलब चौथा हिस्सा काम 6 दिन में पूरा करता है, तो पूरा काम कितने दिन में पूरा करेगा, यानी कि 1/4 है ना, ये 6 दिन में करता है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका संबंध इससे है और ये होता है टोटल काम, तो इसको इससे गुना कर देंगे, 1 = 6 है तो 4 = कितना हो जाएगा, 24। या सिंपल आप वैसे भी कर सकते हो कि चौथा हिस्सा 6 दिन में करता है, एक हिस्सा 6 दिन में करता है, तो 4 हिस्से कितने दिन में करेगा, 24 दिन में, और हम यहां पर क्या लिखते हैं, पूरा काम। ठीक है, पूरा काम कितने दिन में होता है वही हम लिखते हैं, हमने ये लिख दिया। आगे क्या बोला गया कि वाई शेष काम को 12 दिन में पूरा कर लेता है, वाई क्या करता है, शेष काम को 1/4 इसने कर दिया, शेष काम कितना बच गया आपका, 3/4 बच गया, और उसको कितने दिन में कर लेता है वो, 12 दिन में, तो 3 = 12 है, 1 = 4 और 4 = कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। तो y कितने दिन में करता है काम को, 16 दिन में करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेना, इसको समझ गए मतलब कि थोड़ा दिमाग चलने लग गया, आप इंटेलिजेंट हो गए, हुशार होने स्टार्ट हो गए। ठीक है, आपको मॉनिटर बना दिया जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, 1/4 करता है 6 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 24 दिन में, तो हमने यहां पर लिख दिया। अब 3/4 करता है 12 दिन में, तो ऊपर वाले का है ना, जैसे यहां पर ऊपर वाले का था, तो इसका संबंध भी यहां से है, 3 = 12 है, 1 = 4 और 4 = 16, तो 16 दिन हम यहां पर लिख दिया। ठीक है, बस अब इसको हटा देते हैं, हमारे कोई काम का नहीं है ये। आगे क्या बोला गया, आगे बोला गया कि एक्स और वाई मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब एक्स और वाई की क्या निकाल लेंगे, पहले एलसीएम निकाल लेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, यहां से एलसीएम आ गया 48, यहां पे 2 और यहां पे 3,
दोनों कितना दिन में काम करते हैं, एक दिन में पांच काम, क्योंकि दो ये करेगा तीन ये करेगा पांच काम, कुल काम है 48, उसको पांच से करेंगे तो पांच नौ में 45, नौ सही 3/5 दिन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, नौ सही 3/5 दिन, और ये आपके कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर दो में दिया हुआ है, नौ सही 3/5 दिन, समझ में आया ना किस तरीके से हमने किया है, ठीक है। बस यहां पर अगर आपने इसको लिख लिया ना तो आप होशियार भी बन गए और समझदार भी बन गए और आप तैयार भी हो रहे हो अपनी जॉब के लिए, ठीक है, बस ये समझ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है आज के टाइप के जो एग्जाम्स होते हैं ना उनमें थोड़ा सा एडवांस आपको सोच देखा जाता है, फॉर्मूले सभी को पता है कि इसको काटना है इसको पीटना है सभी को पता है, लेकिन जो सोच पाता है ना वो ही सिलेक्शन ले पाता है, यहां पर सिर्फ सोचने का काम था, ठीक है, क्वेश्चन हार्ड लग सकता है लेकिन बिल्कुल ईजी था, देखिए छोटा सा वही जो हम बेसिक से करते आ रहे हैं वही था, बस जिसने इसको लिख लिया उसने इसको सॉल्यूशन कर लिया वो अपना नंबर पा जाएगा, जो इसको छोड़ जाएगा वो अपना नंबर गवा जाएगा, सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है सिलेक्शन लेने वाले या ना लेने वाले में। बोलते हैं ना बहुत सारे स्टूडेंट एक नंबर से रह गया दो नंबर से रह गया, वो यही चीजें होती हैं, यही क्वेश्चन होते हैं कि वो सोच नहीं पाते, और आप परवीन कटारिया क्लासेज के चीते हो तो आपको तो सोचना जरूरी है, ठीक है, सिलेक्शन करवाना जरूरी है भाई आपका। देखिए क्या है कि राजा किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और रमेश 25 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, तो राजा पहले लिख लेते हैं, राजा जी हैं हमारे वो कितने दिन में करते हैं 20 दिन में करते हैं, उसके बाद रमेश जी हैं वो हमारे कितने दिन में करते हैं वो 25 दिन में करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा दिमाग कहां पे चलता है कि हम इसका एलसीएम लेते हैं, ठीक है, हमारा दिमाग वहीं पे जाता है ताकि सॉल्यूशन निकल जाता है, तो यहां पर लेके तो इसका कितना आ जाएगा, अगर नहीं निकल रहा है ना इतने बड़े का तो एक शॉर्ट फॉर्म है, 5 × 20 और 5 × 20 दोनों में 5 कॉमन है और 20 को 5 से गुना कर देंगे 100 पे जाएगा ये, तो इनका कितना आ जाएगा 5 और यहां पर 4। बेसिक क्लास अगर देखोगे ना एलसीएम एचसीएफ की तो उसमें मैंने बताया हुआ है 5 और 4 आ गया, ये इनकी काम करने की क्या आ गई क्षमता आ गई, ये इनकी कैपेसिटी आ गई। अब क्वेश्चंस को आगे देखते हैं कि इसमें बोला क्या गया है, इसमें बोला क्या गया वो देखते हैं। रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया, ठीक है, तो 10 दिन सिर्फ रमेश अकेला काम करता रहा है तो पूरा काम कितने दिन में होगा ये हमें बताना है। तो 10 दिन कौन कर रहा है अकेला, रमेश। रमेश एक दिन में 4 काम करता है तो 10 दिन अकेला काम कर रहा है तो 40 काम करेगा, तो 100 काम है जिसमें से 40 काम कौन करेगा, रमेश अकेला। अब कितना आ गया 60 काम आ गया, ठीक है, तो 10 दिन तो उसने काम कर लिया अकेले रमेश ने। अब दोनों मिलकर कितना काम करते हैं एक दिन में, 9 काम करते हैं, काम बचा हुआ है कितना 60, तो 60 को 9 से करेंगे तो 9 × 6 = 54 आ गया, तो 6 बच गया, 6 सही 6/9 दिन। अगर हमसे पूछा जाता कि बचा हुआ कार्य कितने दिन में होगा तो हम 6 सही 6/9 दिन हम यहां पर कर देते, ठीक है, ये हमारा कट रहा है तो इसको और काट देंगे, यहां पर और कट रहा है तो काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 2/3 से कट जाएगा ये, ठीक है, तो इसको काट देते हैं, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, यहां पर भी आप काट सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लेना, ठीक है। अब यहां पर कितना आ गया 6 सही 2/3, तो अगर हमसे पूछा जाता तो 6 सही 2/3 कर देते, ठीक है, यहां पर काटना जरूरी था तो 6 सही 2/3 कर देते, लेकिन हमसे पूछा गया कि कुल कार्य पूरा कार्य कितने दिन में पूरा होगा, पूरा कार्य, तो 10 दिन तो यहां पर पहले लगे आप थे 6 सही 2/3 और थे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 16 सही 2/3 का, ठीक है, कितने दिन लगेंगे 16 सही 2/3 दिन लगेंगे, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है और मोटिवेशन के लिए यहां पर भी देख सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया ना किस तरीके से किया, बिल्कुल सिंपल सा था, बोला जाएगा कि काम छोड़ के गया, और आगे अभी तो और क्वेश्चंस आएंगे अलग अलग टाइप के। ये क्वेश्चंस देखे क्या है, क्या डब्ल्यू वाला मैंने आपको बताया था ना कि डब्ल्यू का भी काम आता है, यहां पर आपको पता चल जाएगा कि यदि 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 240 दिन में 460 कुर्सियां बना लेते हैं, तो यहां पर हमने क्या किया था, M1 D1 H1 / W1 बराबर क्या था हमारा M2 D2 H2 / W2,
अब यहां पर बोला गया मैन 12 बढ़ई, बढ़ई मतलब होता है ना मैन आदमी आ गए तो 12 लिखा, गुना में कितने घंटे कार्य कर रहे हैं 6 घंटे कार्य है, कितने दिन कर रहे हैं 240 दिन कर रहे हैं, तो ये एम डी एच हो गया, बटे में क्या दिया हुआ डब्ल्यू दिया हुआ है, कितना काम करते हैं कितनी कुर्सियां बनाते हैं 460 कुर्सियां बनाते हैं, कुर्सी बनाना क्या है काम है, तो काम को लिखेंगे बटे में 460 बराबर। आगे क्या बोला गया 18 बढ़ई 8 घंटे काम करके 36 दिन काम करते हैं, तो कुर्सियां कितनी बनाएंगे, तो एक्स का मान हमें निकालना है, बस काटना है। और इसके लिए काटने की एक ट्रिक बताता हूं, ऊपर वालों से आप ऊपर वाले काट सकते हो, ठीक है, ऊपर वालों से ऊपर वाले काट देना, और यहां से सामने सामने से आमने सामने वाले काट देना, ठीक है, और नीचे वाले से आप नीचे वाला काट सकते हो, बस इसको इसको मत काटना और इसको इसको मत काटना, क्योंकि ये आपस में गुना होते हैं, ठीक है, तो ये इसके साथ है ये इसके साथ है, बस ये मत काटना, बाकी आप कुछ भी काट सकते हो, तो काट देते हैं ऊपर वाले से, ऊपर वाला ही काट देते हैं, पहले 6 से कटेगा ये 6 पे कट गया, 6 से कटेगा ये 40 पे कट गया, 6 चौके 24 40 पे कट गया, ठीक है, फिर 6 दुनी 12 6 तीये 18 ठीक है, और यहां पर 4 से काटेंगे 2 पे, 4 से काटेंगे 10 पे, 2 से 2 कट गया, ठीक है, यहां पर 0 से 0, अब कुछ नहीं बता, इधर बच गया 46 इधर बच गया 3 और इधर बच गया x, तो ये आपस में गुना होगा, तो यहां पर एक है तो ये हो जाएगा x बराबर 46 गुना में 3, ठीक है, और जिसके अंत में 8 है तो 138 हो जाएगा, करके देख लेना 138 ही आएगा, क्योंकि 40 थी 120 और 18 138, तो 46 थी ये कितना हो जाएगा 138, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, कितनी कुर्सियां बनाएगा 138 यानी 138 कुर्सी बनाने वाला है, समझ में आ गया ना, बोला था ना डब्ल्यू का काम आता है, तो इस तरीके से अभी तो और भी क्वेश्चन देखेंगे तो आपको और भी पता चल जाएगा। देखिए क्या है इसमें एक पूछा गया है, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया, इसको देखिए क्या है कि ए किसी काम को 25 दिन में करता है, ए कितने दिन में करता है 25 दिन में, बी कितने दिन में करता है 30 दिन में करता है, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा 5 गुना 5 और ये हो गया 5 गुना 6, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा एलसीएम 150, तो ये 25 से काटेंगे तो यहां पर 6 आ जाएगा और यहां पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये इनकी क्या आ गई क्षमता आ गई, ठीक है। आगे देखिए क्या है, आगे क्या बोला गया कि उन्होंने मिलकर 5 दिन काम किया तो कितना काम शेष रह गया, 5 दिन दोनों ने मिलकर काम किया है, तो काम कितना करते हैं एक दिन में दोनों मिलकर 11 काम करते हैं, तो 5 दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में 11 5 दिन में इसको 5 से गुना कर लेंगे, तो कितना काम किया 55 काम किया, कुल काम है 150 उसमें से इन्होंने काम कर दिया 55, ठीक है, तो कितना काम बच गया 95 काम बच गया, ठीक है, तो अगर हमसे पूछा जाता कितना काम उन्होंने किया तो 55 काम किया, लेकिन पूछा क्या गया है तो 5 दिन काम किया तो कितना काम शेष रह गया, ठीक है, कितना काम शेष रह गया 95 काम शेष रह गया, कितने में से 150 में से, ठीक है, 5 से काटेंगे 95 5 से काटेंगे 30 तो 19/30 काम क्या रह गया हमारा शेष रह गया, तो कितने भाग काम शेष रह गया 19/30, कितना काम हो गया ये पूछता तो 55/150 हम करते, ठीक है, काटने पे जो आता वो हमारा आंसर होता, काटते हैं 5 से 11 पे और 5 से कितने पे 30 पे, तो 11/30 होता, ऑप्शन में भी दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन में इसलिए दिया जाता है, कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि 55 काम हुआ 55/150 11/30 आ गया आंसर हो गया, वो गलत हो जाएगा, क्वेश्चंस की लास्ट लाइन होती है ना उसको बड़े ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि कितना काम शेष रह गया, शेष काम, शेष का मतलब क्या होता है बचा हुआ कार्य, ठीक है, शेष का मतलब होता है बचा हुआ कार्य, मैंने आपको बताया था ना कि आप प्रवीण कटारिया के चीते हो, कोई भी गलती की गुंजाइश मैं आपके लिए छोड़ने नहीं वाला, सारी छोटी छोटी चीजें बताने वाला हूं कि स्टूडेंट कहां पर गलती करने हैं, आपको गलती नहीं करनी, आपको बच के रहना है, गलती से बच के रहना है, क्योंकि एक एक नंबर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आप सभी के लिए। देखिए क्या है, यदि 20 महिलाएं 100 मीटर लंबी सड़क 10 दिन में बना सकती हैं, काम कितना हो रहा है 100 मीटर का, तो ये W है, 20 महिलाएं हैं कितने दिन में 10 दिन में, काम कितना कर रही हैं 100 मीटर काम कर रही हैं, ठीक है, बनाना
रोड बनाना, सड़क बनाना क्या है? काम है। तो काम को नीचे लिखेंगे, गुना में नहीं। गुना में तो सिर्फ आदमी जाएगा, दिन जाएगा और घंटा जाएगा। तो 20 महिलाएं 10 दिन में कर रही हैं और काम 100, उसको नीचे लिखा। तो 10 महिलाएं 50 मीटर लंबी, 10 महिलाएं काम कितना 50 मीटर लंबी कितने दिन में बनाएंगी? तो x का मान, क्योंकि ऊपर आएगा ना हमारा, दिन पूछा है तो दिन ऊपर आता है, x का मान। तो काटेंगे इसको, 50 से कटा 2 पे, 2 से कटा 10 पे, 0 से 0 कितना आ जाएगा? 10 दिन। ठीक है, आगे देखिए। ए का 2 दिन का कार्य बी के 3 दिन के कार्य के बराबर है। इसमें थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे ना, आंसर निकल के आ जाएगा। कि दिमाग का क्वेश्चन है, सोल्व करने का नहीं है, दिमाग का है। कि ए का 2 दिन का कार्य बी के 3 दिन के कार्य के बराबर है। ए का 2 दिन का कितने के बराबर है? बी के 3 दिन के बराबर है। ए उस कार्य को 8 दिन में करता है, तो बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा? ए 8 दिन में करता है, तो ये इसका 4 गुना हो रहा है, इसका 4 गुना कर देंगे तो 12 दिन हो जाएगा। कितना दिन? 12 दिन। बस आंसर कुछ था इसमें सोल्व करने लायक, बड़ा सिंपल सा था। बोला गया कि उसके 2 दिन का कार्य उसके 3 दिन के कार्य के बराबर है, इसका 2 दिन का कार्य इसके 3 दिन के कार्य के बराबर है। मतलब ये काम जल्दी करता है, कम दिन में करता है, ये ज्यादा दिन में करता है। अब बोला गया कि वो 8 दिन में कार्य करता है, तो इसका 4 गुना बोल दिया गया, तो इसका 4 गुना कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, और बाकी अगर जो फॉर्मूला आप यूज करते हो उससे भी निकाल सकते हो, लेकिन थोड़ा सा दिमाग खोलोगे ना, इसकी जंग को हटा देना। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने काफी समय हो गया मैथ पढ़े हुए, क्लास अगर समझ में नहीं आती, जो पहली बार ही पढ़ रहे हैं दोबारा देख लेना। ठीक है, समझ में आएगा सब कुछ, निकाल के जाओगे, सिलेक्शन लेके जाओगे, और इसकी प्रैक्टिस भी मैं आपको करवाऊंगा, प्रैक्टिस सेट भी मैं आपको करवाऊंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो टेंशन मत लेना कि सर कौन से प्रैक्टिस सेट लें, कहां से लें, पहले क्लास देखो, 60 दिन मैराथन क्लास देखो, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और भी बहुत सारी चीजें आपको लिए आती रहेंगी, उनको देखते रहिए। क्या है कि जनार्दन किसी कार्य का 2/3 भाग 10 दिन में करता है, तो 2/3 भाग कितने दिन में? 10 दिन में। तो मैंने क्या बोला था कि ऊपर वाले का है 2/10, तो 3/3 कितना हो जाएगा? 15। 2/10, 1/5, तो 3/3 कितना हो गया? 15। तो कुल काम कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। आगे बोला गया वह उस कार्य का 3/5 भाग कितने दिन में करेगा? कुल कार्य कितना है? 15। ठीक है, और इसी का पूछा है कि 3/5 कितने दिन में करेगा, तो इसका 3/5 काटेंगे, 5 × 3 = 15, 3 × 3 = 9 दिन। समझ में आ गया ना? बस ये चीज समझ जाना, अगर 2/3 बोला है और बराबर में कुछ बोला है तो ये ऊपर वाले के बराबर होगा। ठीक है, कुल काम बोला है तो नीचे वाले के बराबर होगा। बस आगे देखिए क्या है कि ये किसी कार्य को 12 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है, दोनों 5 दिन तक कार्य करते हैं, सी द्वारा 3 दिनों में पूरा कर लिया जाता है शेष कार्य। ठीक है, अतः सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो देखिए क्या बोला गया, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना, कि ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है? 12 दिन में। बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है। यदि दोनों 5 दिन तक साथ कार्य करते हैं, 5 दिन तक साथ कार्य करते हैं, तो इनका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, ये 4 × 5 = 20 हो गया, और ये 4 × 3 = 12 हो गया, 4 कॉमन है तो 60 आ जाएगा इसका एलसीएम, यहां से 5, यहां से 3, ये इनकी क्या आ जाएगी? क्षमता आ जाएगी। ठीक है, अब दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 8 काम कर रहे हैं। कितने दिन साथ कार्य किया है? 5 दिन। एक दिन में 8 काम कर रहे हैं, तो 5 दिन में कितना काम करेंगे? 40 काम करेंगे। तो 60 काम है, उसमें से 40 काम कर दिया, कितना काम बच गया? 20 काम बच गया। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, 20 काम बच गया। आगे क्या बोला गया कि शेष कार्य, अब शेष कार्य कितना है? 20 है। सी 3 दिन में पूरा कर लेता है, तो शेष कार्य 20 है वो 3 दिन में कर लेता है, 20 कार्य है वो 3 दिन में कर लेता है, कौन? सी कर लेता है। तो आगे पूछा है, अतः सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो 20 कार्य को 3 दिन में करता है, कुल काम कितना है हमारा? 60 है। 60 है, ये इसका 3 गुना है, तो यहां पर भी 3 गुना कर देंगे, 9 दिन आ जाएगा। ठीक है, और वैसे सिंपल तरीका भी है कि 20 काम 3 दिन में, 1 काम 3/20 और गुना में 60 काम,
तो 3/20 गुना में 60, 20 थी 60, 3 गुना 3 9 दिन, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन ये सिंपल सा तरीका है कि अगर कोई काम 20 काम 3 दिन में कर रहा है तो 60 काम उसका तिगुना काम है, तो तिगुना दिन लगेगा, तो 3 से गुना कर देंगे, 3 गुना 3 9 दिन, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। ये होती है स्पीड, ठीक है। अगर आपने यहां तक देखा है तो आप स्पीड भी इंक्रीज करना शुरू कर दीजिए। देखिए क्या है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं, ए बी सी मिलकर उसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा, ए और बी का पता है, ए और सी का पता है, एलसीएम लेंगे, कैपेसिटी आएगी, क्षमता आएगी, तीनों की में से 2 की घटा देंगे, हमारे पास सी की आ जाएगी, और कुल काम को सी की जो क्षमता आएगी उससे भाग दे देंगे तो सी का हमारा मान निकल जाएगा। समझ में आ गया? क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुआ है इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं, तो इसका आंसर आप कमेंट करके बता देना। आगे देखिए क्या है कि ए किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, उसे 12 दिन में काम कर सकता है, उसने 12 दिन काम किया, शेष कार्य बी ने 8 दिन में किया। इसको देखते हैं कि थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। ए किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, बोला गया कि ए किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, ठीक है, लेकिन उसने 12 दिन काम किया और शेष कार्य बी ने 8 दिन में पूरा किया, ठीक है। उसने 12 दिन काम किया, 12 दिन काम का मतलब क्या है कि उसने 2/3 काम कर लिया, ठीक है, 2/3 काम किया ना, क्योंकि 18 दिन है और 12 कितना होता है उसका 2/3 होता है, करके देख लीजिए, 12/18 6 × 12 6 × 18 2/3 होता है, 2/3 काम बचा हुआ है और उसको बी 8 दिन में करता है, तो 2 काम को 8 दिन में करता है, 1 काम को 4 में और 3 काम को कितने दिन में करेगा, 12 दिन में करेगा, तो बी का काम कितना हो जाएगा, क्षमता कितनी आ जाएगी, यहां पर 12 आ जाएगी। समझ में आ गया ना, बी काम को कितने दिन में करता है, 8 दिन में करता है। समझ में आ गया सभी को, ठीक है। देखिए सॉरी, यहां पर मैंने क्या कर दिया कि 18 दिन में कर सकता है और 12 दिन का काम 2/3 काम है और बी ये 2/3 काम उसने कर लिया, ठीक है, ये हमने यहां पर गलत लिख दिया, 2/3 काम उसने कर लिया, अब बचा कितना काम, 1/3 काम बचा है, 1/3 काम को 8 दिन में कर रही है, तो 1 काम को 8 दिन में कर रही है तो 3 काम को कितने दिन में करेगी, 24 दिन में, तो ये 24 आएगा यहां पर, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 × 3 और ये हो जाएगा आपका 6 × तो ये आ गया 72, 18 × 4 = 72 और 24 × 72, ये इनकी कैपेसिटी आ गई, क्षमता आ गई। अब बोला है कि बी अकेले पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, तो बी की काम करने की क्षमता कितनी है, 3 है, तो 72 काम है, 3 के हिसाब से कितने दिन में हो जाएगा, 24 दिन में हो जाएगा, 24 दिन, ठीक है। मैंने यहां पर लिखते हुए ध्यान दे लेना, जो मैंने लिखा था ना, ये लिखा हुआ है कि 12 दिन में काम कर लेता है, 12 दिन वो काम कर लेता है, बचा हुआ कार्य करता है, तो बचा हुआ कार्य 1/3 है, 2/3 है उसने कार्य कर लिया, तो बचा हुआ कार्य कितना है, 1/3 है, तो 1/3 काम को 8 दिन में, तो 3 काम को कितने दिन में करेगी, 24 दिन में, ठीक है। आगे देखिए क्या, यदि 42 व्यक्तियों द्वारा 15 दिन में 144 किलोग्राम गेहूं की खपत की जाती है, तो 30 व्यक्तियों द्वारा 38 किलोग्राम गेहूं की खपत कितने दिनों में होगी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि 42 आदमी है, 15 दिन में कितनी खपत करते हैं, खपत का मतलब कार्य खाने का काम है, तो 144 किलोग्राम। आगे बोला गया कि 30 व्यक्ति 48 किलोग्राम कितने दिन में करेंगे, एक्स का मान निकालना है, काट देते हैं तो ये कितने बजाएगा, 12 से 4 48 और 12 से 12 144, 4 से काटा कितने पे, 3 पे, ठीक है, 3 से काटा कितने पे, 5 पे, 5 से काटा 6 पे, 6 से काटा ये 7 पे, तो x का मान कितना आ गया, 7 आ गया, तो 7 दिन, ठीक है। MDH वाला फॉर्मूला यूज किया और कुछ नहीं किया, ठीक है। मैन यहां पर दिन दिए हुए थे, MD दिया हुआ है और बटे में W दिया हुआ है, ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट था। आगे देखिए क्या है, ये क्वेश्चंस कभी पूछ लिया जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे बोल दिया गया कि 100 बिल्लियां 100 दिन में 100 चूहे काटती है, तो 4 बिल्लियां 4 चूहे कितने दिन में काएगी, स्टूडेंट 4 करके आ जाते हैं, 4 दिन करके आ जाते हैं और वो उनका गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें फॉर्मूला यूज करना है, ऐसे नहीं कि 100-100 दिया हुआ है तो 4-4 कर देंगे। देखिए क्या बोला, 100 बिलियन, तो ये MDH वाला फॉर्मूला है, तो M कितने हैं, 100 है, गुना में दिन है 100, ठीक है, और चूहे खाना, चूहे मारती है, चूहे खाना क्या है, उसका काम है, तो वर्क को बटे में लिखेंगे,
बराबर चार बिल्लियां, ठीक है, चार चूहे, और कितने दिन में, दिन है तो x का मान निकालेंगे, काम है ना चार चूहे एक मारती है तो चूहों को नीचे लिखा। अब क्या करना है, काटना है, 100 से 100 कट गया, चार से चार कट गया, x का मान कितना आ गया 100, तो x बराबर कितना आ गया 100। तो हमसे यही पूछा था कि चार बिल्लियां चार चूहे कितने दिन में खाएगी, तो 100 दिन में खाएगी ना कि चार दिन में, ठीक है, समझ में आ गया ना, कितने दिन में खाएगी 100 दिन में ना कि चार दिन में, कि 100 बिल्लियां 100 दिन में 100 चूहे खाती हैं, तो चार बिल्लियां चार चूहे चार दिन में खाएगी, ऐसा नहीं है, फॉर्मूला यूज करेंगे आंसर तभी निकलेगा। आगे देखिए, प्रमोद 9 दिन में एक काम का 1/4 भाग पूरा करता है, 9 दिन में 1/4, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 36 दिन में। देखिए ये इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है, थोड़ा ऐसा आपने नहीं देखा होगा, देखा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो 36 दिन आ गया। आगे क्या बोला गया कि सरोज है बचा हुआ काम, अब 1/4 हो गया तो बचा हुआ काम कितना है, 3/4 हो गया, उसको 27 दिन में करती है, तो तीन काम, 3 = 27 है, 1 = 9 है, तो 4 = कितना हो जाएगा, 36। तो जो आपका सरोज है ना उसका भी कितना आ जाएगा, यहां पर 36 ही आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 36 आ गया, एक एक दोनों सेम आपने अभी तक नहीं देखा होगा, लेकिन अब सेम निकल के आ गया, एक एक आ गया, तो पूछा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, दो काम, क्योंकि एक एक करते हैं दो काम, 36 काम है और दो एक दिन में करते हैं तो 18 दिन में काम पूरा हो जाएगा, कितने दिन में, 18 दिन में। समझ में आ गया ना किस तरीके से किया, 1/4 9 दिन में, तो 1 = 9, 4 = 36 दिन, ठीक है, बचा हुआ काम 3/4 है तो 3/4 = 27, यानी 3 = 27, 1 = 9, 4 = 36, तो दोनों का 36 आएगा। कभी ऐसे आ जाए ना और आप घबरा जाओ कि ऐसे तो कभी होता नहीं है, सेम नहीं होता, लेकिन अब आपको पता चल गया होगा सेम हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखते रहना, ये काम छोड़ के जाने वाला है कि ए काम को 12 दिन में, बी इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है, तो ए करता है कितने दिन में, 12 दिन में, बी इसको करता है कितने दिन में, 18 दिन में करता है, वो दो दिन साथ काम करते हैं, तो पहले इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है, यहां पर 6 × 2 और यहां पर 6 × 3, ठीक है, और 6 × 6 = 36, तो 3 और 2 इनकी क्षमता आ गई और दोनों की आ गई 5, ये इनकी क्षमता आ गई, ठीक है। अब हमसे बोला क्या गया उसको पढ़ते हैं, ये इनकी क्षमता आ गई दोनों की, एक साथ 2 दिन काम करते हैं, तो एक दिन में 5 काम करते हैं तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, 10 काम करेंगे, कुल काम है 36, 10 काम कर दिया, बच गया कितना, 26 काम। आगे क्या बोला गया, और तब ए चला जाता है, अब ए है ना वो चला जाता है, तो ए चला गया तो अब काम कौन करेगा, बी काम करेगा, तो बी काम कितना करता है, एक दिन में 2 काम, तो 2 काम करता है तो कितने दिन लेगा, 13 दिन लेगा, ठीक है। अब आपसे दो तरीके से पूछे जा सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, तो शेष काम बी कितने समय में पूरा करेगा, तो शेष काम को बी कितने दिन में करेगा, 13 दिन में करेगा, ठीक है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कुल काम कितने दिन में पूरा हुआ, तो 2 दिन दोनों ने मिलकर किया और 13 दिन इस अकेले ने किया, तो 13 + 2 कितना हो जाएगा आपका, यहां पर 15 दिन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है कि 8 दिन काम करते हैं और तब ए चला जाता है, तो शेष काम बी कितने दिन में पूरा करेगा, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं आपको रिपीट करवा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। बी 24, अब इसका एलसीएम लेना है और भाग देना है, आंसर निकाल देना, ठीक है, सिंपल सा है। आगे देखिए क्या है कि 8 पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, 6 दिन का कार्य करने के बाद 4 और पुरुष कार्य में लग जाते हैं, तो शेष कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, यहां पर दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। कि 8 पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में करते, कि 8 आदमी है वो किसी कार्य को 12 दिन में करते, लेकिन 6 दिन कार्य करने के बाद, 6 दिन कार्य किया, ठीक है, 6 दिन 8 पुरुष ने कार्य किया, लेकिन आधा काम हो गया, अब काम कितना बचा, आधा काम बचा है, ठीक है, आधा काम, और अब क्या हो गए, 4 और पुरुष आ गए, ठीक है, 4 और पुरुष आ गए, तो 8 पुरुष उस काम को कितने दिन में करते, ठीक है, 6 दिन उन्होंने काम कर लिया, 8 पुरुष कितने दिन में करते, 6 दिन में, 8 पुरुष उस काम को 6 दिन में करते, अब कितना आ गया,
चार और आगे तो 12 पुरुष हो गए, तो 8 पुरुष करते 6 दिन में, एक पुरुष करता 6 गुना 8, और आप 12 कितने में करेंगे, 6 दुनी 12 और 2 से काटा 4 पे, तो 4 दिन आ गया। ठीक है, तो कितने दिन में करेंगे, 4 दिन में। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले देखिए यहां पर क्या है, पहले क्वेश्चंस को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो अभी जो क्वेश्चंस करवाने वाला हूं इनमें सिर्फ थोड़ा थोड़ा बदलाव होता है और क्वेश्चंस का आंसर अलग हो जाएगा, तो ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ए और बी है दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में कर देते हैं, 30 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर 20 दिन कार्य किया, 30 दिन में कर सकते हैं लेकिन क्या बोला, उन्होंने मिलकर 20 दिन कार्य किया, 20 दिन उन्होंने कार्य किया तो कितने दिन का कार्य बच गया, 10 दिन का काम बच गया। ठीक है, कितने दिन का काम बच गया, 10 दिन का काम बच गया। आगे देखिए क्या है, बी ने काम छोड़ दिया, ठीक है, उन्होंने 20 दिन तक कार्य किया उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, ए ने शेष कार्य को अगले 20 दिन में पूरा किया। ए है उसने जो शेष कार्य, शेष का मतलब बचा हुआ कार्य है, उसको 20 दिन में पूरा किया। अब बचा हुआ कार्य कितने दिन का था, 10 दिन का कार्य बचा हुआ था, और किया कितने दिन में, 20 दिन में, मतलब अगर दोनों करते तब तो होता 10 दिन का, तो इसने कितने दिन में किया, 20 दिन में। ठीक है, दोनों का काम था 10 दिन का, लेकिन अकेले ए ने कितने में दिन में किया, 20 दिन में, मतलब दुगुना समय लिया है। तो हमसे पूछा है कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो ये दुगना समय ले रहा है, दोनों मिलकर करते इस कार्य को, कुल कार्य को कितने दिन में, 30 दिन में, तो दुगना समय ले रहा है, तो 30 गुना 2 कर देंगे तो कितना दिन आ जाएगा, 60 दिन आपका यहां पर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 60 दिन, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया ना, ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, बड़े शानदार तरीके से, बड़े इजी तरीके से। देखिए क्या है कि 30 दिन में दोनों काम करते हैं, ठीक है, और 20 दिन दोनों ने काम किया, उसके बाद है वो बी काम छोड़ के चला गया, तो 30 दिन का काम था, 20 दिन का काम हो गया, कितने दिन का काम बच गया, 10 दिन का काम बच गया। अब क्या बोला कि बचे हुए कार्य को ए ने 20 दिन में पूरा किया, मतलब दोनों मिलकर करते तब तो 10 दिन में कर देते, लेकिन बीच चला गया तो अब अकेला ए कर रहा है, वो कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, तो 10 दिन के कार्य को 20 दिन में कर रहे हैं, तो दोनों के 30 दिन के कार्य को वो कितने दिन में करेगा, 60 दिन में, क्योंकि दुगुना हो रहा है ना, दुगुना समय ले रहा है, तो 30 का क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, समझ में आ गया ना, बस 10 = 20, 1 = 2 और 30 = क्या हो जाएगा, 30 × 2 ये क्या हो जाएगा, 60 दिन। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी कार्य को 24 दिन में, बी उसे 9 दिन में और सी उसे 12 दिन में करता है। ठीक है, ए है कितने दिन में करता है, 24 दिन में, बी उसे 9 दिन में, सी उसे 12 दिन में करता है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे तो 72 आ जाएगा, ये 24 = 72, 9 × 8 = 72 और 12 × 6 = 72। ठीक है, ये इसका एलसीएम आ गया और ये इनकी क्या आ गई, कैपेसिटी आ गई, इनकी काम करने की क्षमता आ गई एक दिन की। आगे देखिए क्या बोला गया, बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं, कौन, बी और सी, बी और सी है वो काम को शुरुआत करते हैं, परंतु उन्हें 3 दिन के बाद यह कार्य छोड़ना पड़ता है, 3 दिन के बाद छोड़ना पड़ता है, तो मतलब 3 दिन तो दोनों ने कार्य किया, 3 दिन क्या किया, दोनों ने कार्य किया है, तो एक दिन में दोनों कितना काम करते हैं, बी और सी की बात हो रही है, एक दिन में करते हैं ये 14 काम, 14 काम करते हैं, 3 दिन इन्होंने काम किया तो कितना काम कर दिया, 42 काम कर दिया, 72 काम था, 42 इन्होंने कर दिया तो कितना काम बच गया, 30 बच गया। ठीक है, 30 मैंने यहां पर लिख दिया, कितना काम बच गया, 30 काम बच गया। आगे क्या बोला गया, क्योंकि उन्होंने तो काम छोड़ दिया, क्योंकि लिखा गया ना, परंतु उन्होंने 3 दिन के बाद यह कार्य छोड़ दिया, एक दिन में करते 14 काम, 3 दिन में किया 42 काम, कुल काम है हमारा 72 जिसमें 42 काम हो चुका है, तो 30 काम बचा हुआ। आगे देखिए क्या है, शेष कार्य को करने में ए को कितना समय लगेगा, ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है, 30 काम करना है तो कितना दिन लगेगा, 10 दिन। ठीक है, क्योंकि 3 × 30 तो कितना आ जाएगा आपका, 10 दिन आपका यहां पर आंसर हो जाएगा, जो यहां पर दिया हुआ है 10 दिन। समझ में आया ना किस तरीके से किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस एलसीएम हमने लिया, इनकी क्षमता निकाली, फिर क्या बोला कि बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं, प्रारंभ का मतलब शुरुआत करते हैं, तो बी और सी काम करें, शुरुआत में ए काम नहीं कर रहा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये कुछ स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं कि ए बी और सी सारे एक साथ कर देंगे, नहीं, क्योंकि बोला गया ना उसी को हमें करना है। ठीक है, आगे देखिए कि 12 पुरुष एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है,
यदि छह पुरुष छह दिन के बाद काम छोड़कर चले जाएं तो काम को पूरा होने में कितना दिन और कितना समय लगेगा। तो इसके अलावा अगर फॉर्मूला यूज करोगे तो पहले मैं आपको वो बता देता हूं, पहले फॉर्मूला बता देता हूं फिर बिना फॉर्मूले के लिए मतलब बेसिक, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा के किस तरीके से कर सकते हो वो बताऊंगा। कि 12 पुरुष है, 12 दिन में काम करते हैं, कुल काम कितना हो गया 144 हो गया। अब क्या बोला कि 6 पुरुष 6 दिन के बाद काम छोड़ के चले गए, 6 दिन के बाद छोड़ के जा रहे हैं मतलब 6 दिन तो काम किया है, सभी ने काम किया है, तो 12 पुरुष है और उन्होंने 6 दिन काम किया है तो कितना काम कर दिया, 72 काम कर दिया, 144 कुल काम था और काम कितना हो चुका, 72 हो चुका, 72 बचा हुआ है। अब 6 पुरुष छोड़ के चले गए 6 दिन के बाद, तो 6 दिन में इतना ही काम हुआ है, इसके बाद 6 पुरुष छोड़ के चले गए। अब बचे कितने पुरुष है, 6 पुरुष बचे हुए हैं, ठीक है, काम कितना बचा हुआ है, 72, तो 72 काम है, 6 पुरुष है, तो कितने दिन में करेंगे, यहां पर 12 दिन क्या जाएगा, 12 दिन में करेंगे ना, काटते कितना जाएगा, 12 से की 72 होता है ना, तो 12 दिन आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ये समझ में आ गया ना कि कुल काम हो 144 जिसमें से, यहां पर कंफ्यूज ये मत होना, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि 6 पुरुष 6 दिन काम करते हैं, नहीं, 6 पुरुष 6 दिन के बाद काम छोड़ के चले जाते हैं, काम छोड़ के जा रहे हैं 6 दिन के बाद, तभी तक तो 12 के 12 कर रहे हैं, उसके बाद 6 करेंगे, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। समझ में आ गया। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे करते हैं, ये तरीका आपको समझ में आ गया कि कुल काम इतना था, इतना काम हुआ, ये बच गया, बचे हुए लोग करेंगे बचे हुए कार्य को, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि देखिए 12 पुरुष है, वो काम को 12 दिन में करते हैं, ठीक है, लेकिन आप 12 पुरुष हैं वो 6 दिन काम करते हैं, तो 6 दिन में आधा काम हो जाएगा। अब 6 दिन का काम बचा हुआ है, तो 6 दिन का काम बचा हुआ है ना, 12 पुरुष होते तो उसको 6 दिन में कर देते काम को, क्योंकि 12 दिन में समाप्त हो रहा है ना, 6 दिन काम कर लिया और 6 दिन और बचा हुआ है, तो 12 पुरुष 6 दिन में कर देते, और अगर एक पुरुष होता तो 6 गुना 12 दिन उसको लगते। लेकिन अब हमें बोला क्या गया है, हमें बोला गया कि 6 पुरुष है वो काम छोड़कर चले गए, ठीक है, 6 पुरुष काम छोड़ के चले गए तो कितने बच गए, 6, तो आप 6 लोग कितने में करेंगे, बटे में 6, 6 से 6 कट गया, कितना आ गया, 12 आंसर, तो 12 दिन में, ठीक है। इस तरीके से करना चाहो इस तरीके से कर सकते हो, दोनों है, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आप करना चाहते हो। इसका अभी भी दोबारा बता देता हूं कि 12 पुरुष है, 12 दिन में करते हैं, 6 दिन उन्होंने काम किया तो 6 दिन का काम बचा कितने पुरुष का, 12 पुरुष का, तो 12 पुरुष कितने दिन में करते, 6 दिन में करते, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि 6 पुरुष बचे हुए हैं, क्योंकि 6 छोड़ के चले गए, तो वो कितने दिन में करेंगे, ठीक है। और वैसे भी सिंपल है कि 12 6 दिन का, 72 काम हो गया, 6 से डिवाइड कर देंगे, 12 आ जाएगा। आगे देखिए क्या है कि ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 12 दिन में कर सकता है। ए करता है कितने दिन में, 18 दिन में करता है, बी उसे 12 दिन में करता है। एलसीएम लेंगे हमारा 36 आ गया, कैपेसिटी आ गई 2 और 3, इनकी काम करने की जो क्षमता आ गई ना, एक दिन में किया जाने वाला काम, वो आ गई 2 और 3, ये हम स्टार्टिंग में निकाल लिया। इसके बाद क्या बोलता है कि उन्होंने साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, परंतु बी कार्य समाप्ति के 3 दिन पूर्व कार्य छोड़कर चला गया, ठीक है। दोनों ने काम की शुरुआत तो की, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से समझना कि दोनों ने कार्य की शुरुआत तो की, लेकिन काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़कर चला गया। तो काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी छोड़ के चला गया, तो जो बचे हुए 3 दिन थे, ठीक है, उनमें काम किसने किया, सिर्फ ए ने किया, क्योंकि बी तो चला गया काम समाप्त होने से 3 दिन पहले, तो जो लास्ट के 3 दिन थे उन्होंने किस में काम किया, ए ने काम किया। ए एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। तो अब कितना काम हुआ, 30 काम। अब ये जो 30 काम है इसको कौन करेगा, दोनों ने मिलकर किया है, क्योंकि स्टार्टिंग में दोनों मिलकर ही कर रहे थे, 3 दिन पहले ही गया, तो मतलब 6 काम ही ए ने एक्स्ट्रा किया है। अब दोनों मिलकर कर रहे थे कितना, 5 काम, 30 काम था, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो 6 दिन। तो अगर हमसे ये पूछेगा कि दोनों ने मिलकर कितने दिन कार्य किया, तो वो हो जाएगा हमारा 6 दिन। कुल काम कितने दिन में हुआ, तो 6 दिन दोनों ने मिलकर किया, ए अकेले ने 3 दिन किया, तो वो हो जाएगा आपका 9 दिन, ठीक है। अब क्या पूछा गया है, तो कार्य को पूरा होने में कुल कितने दिन लगे, तो ये हमसे पूछा है कार्य को पूरा होने में कुल कितने दिन लगे, तो आपका 9 दिन हो जाएगा, ठीक है, 9 दिन आपका आंसर हो गया। कभी कभी आपसे ये पूछ सकता है कि दोनों ने मिलकर साथ मिलकर कितने दिन कार्य किया, तब आपका 6 दिन आंसर होता,
कुल काम पूछा है, पूछा है ना कार्य को पूरा होने में कुल कितने दिन लगे, तो कुल दिन कितने लगे हैं, 9 दिन लगे हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। देखिए आगे क्या है कि ए तथा बी किसी कार्य को अलग अलग क्रम से 20 और 30 दिन में कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, हमारे यही है कि 20 और 30 एलसीएम लेंगे हमारा 60, 3 और 2 इनकी क्या आ गई, क्षमता आ गई। ये आपकी स्पीड बन जानी चाहिए ऑटोमेटिक, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना, किसी भी बुक से कर सकते हो, आर एस अग्रवाल से कर सकते हो, करंट पब्लिकेशन से कर सकते हो, ठीक है, राम सिंह यादव है, कोई भी आपके पास बुक है आप उससे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया। आगे क्या बोला गया कि उन्होंने कुछ समय तक एक साथ मिलकर कार्य किया, तत्पश्चात बी कार्य छोड़कर चला गया। दोनों ने मिलकर कार्य किया, उसके बाद बी काम छोड़ के चला गया। अब ये नहीं पता कितना कब गया है, कितने दिन साथ काम किया है। आगे क्या बोला गया, यदि शेष कार्य को ए ने 10 दिन में पूरा किया, अब दोनों ने साथ काम किया था, उसके बाद बी छोड़ के चला गया, अब बचे हुए कार्य को ए ने अकेले पूरा किया है, और वो कितने दिन में किया है, 10 दिन में। ठीक है, तो हमसे पूछा है बी ने कितने दिन तक कार्य किया। अब 10 दिन अकेले ए ने किया है, ए अकेला 1 दिन में 3 काम करता है, तो 10 दिन में कितना काम करेगा, 30 काम करेगा। ठीक है, कुल काम है 60, जिसमें से 30 दोनों ने मिलकर किया, 30 अकेले ने किया तो 30 दोनों ने मिलकर किया। ठीक है, क्योंकि 10 दिन कार्य किया ना, 1 दिन में 3 काम करता है, तो 30 काम है वो अकेले ए ने किया है, बाकी का बचा हुआ काम दोनों ने मिलकर किया, क्योंकि यहां पर बोला गया ना कि उन्होंने कुछ समय तक साथ मिलकर कार्य किया था, और 10 दिन सिर्फ अकेले ए ने किया है, उससे पहले तो दोनों कार्य कर रहे थे, तो ए अकेला 10 दिन में 30 काम करता है, तो 30 काम दोनों ने मिलकर किया है। दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं, 3 और 2 5, 30 काम है, 5 काम करते हैं, तो 6 दिन दोनों ने मिलकर साथ काम किया। ठीक है, तो कितने दिन, 6 दिन मिलकर। तो हमसे यही पूछा है, तो बी कितने दिन तक कार्य किया, तो बी ने 6 दिन तक कार्य किया था। अगर ए का पूछेगा तो ए का हो जाएगा 6 दिन यहां पर और 10 दिन यहां पर। ठीक है, 6 दिन तो दोनों से मिलकर किया था, ठीक है, दोनों ने मिलकर किया था, तो उसमें ए भी था, और यहां पर 10 दिन अकेले ने किया है, तो 6 + 10 कितना हो जाएगा, 16 दिन। ऑप्शन में ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा, देखिए ये भी दिया हुआ है, क्योंकि कभी कभी पेपर में ये भी पूछ लिया जाता है। समझ में आ गया सभी को, तो इस तरीके से हमें निकालना है, जो छोड़ के चला जाएगा उसको नहीं लगाएंगे, जो बचा हुआ है हमें सिर्फ उसी का काम लेना है, फिर घटा देंगे, हमारे पास बचा हुआ काम आ जाएगा जो दोनों ने मिलकर किया था, दोनों मिलकर 1 दिन में 5 काम करते हैं, 30 / 5 6 दिन दोनों ने मिलकर 7 कार्य किया। तो हमसे यही पूछा था, आपसे यहां पर यह भी पूछ सकता है कि बी ने कितने दिन काम किया, ये पूछा, तो 6 दिन हो जाएगा। दोनों ने मिलकर कितने दिन कार्य किया, तो वो भी 6 दिन हो जाएगा। ए ने कितने दिन कार्य किया, वो आपका 16 दिन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस 3-3 टाइप से आपसे यहां पर पूछ लिया जाता है। आगे देखिए क्या है कि ए तथा बी अकेले किसी कार्य को 9 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए है वो कितने दिन में करता है, 9 दिन में। बी कितने दिन में करता है, 18 दिन में। एलसीएम लेंगे 18 और 2 और 1 की हमारा आ गया। आगे देखिए क्या है, उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य किया, किंतु कार्य पूरा होने के 3 दिन पहले ए कार्य छोड़ के चला गया। पहले बी छोड़ के जा रहा था, इस बार ए छोड़ के चला गया 3 दिन पहले। तो ए छोड़ के चला गया 3 दिन पहले, अभी मैंने आपको बताया था। तो 3 दिन काम कौन करेगा, बी काम करेगा। बी 1 दिन में 1 काम करता है, तो 3 दिन में 3 काम करेगा। तो दोनों ने मिलकर 15 काम किए, 1 दिन में दोनों मिलकर 3 काम करते हैं, तो 15 काम को 3 के हिसाब से कितने दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे। तो दोनों ने मिलकर कितने दिन कार्य किया, 5 दिन कार्य किया है। हमसे पूछा है कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, तो हमसे ये पूछा कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। 5 दिन तो दोनों ने मिलकर किया है, ठीक है, मैंने बोला था ना कि लास्ट की लाइन सिर्फ चेंज होती है, क्वेश्चंस मोस्टली सेम मिलेगा, लास्ट की लाइन चेंज हो जाती है। तो ये 5 दिन तो दोनों ने मिलकर किया, 3 दिन अकेले बी ने किया है, तो 3 दिन भी इसमें जोड़ देंगे, तो कुल काम कितने दिन चला है, 8 दिन चला है। तो हमसे ये पूछा ना कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, तो कार्य है वो 8 दिनों में पूरा हुआ। ठीक है, समझ में आ गया ना, ठीक है। आगे देखिए क्या है, आगे है कि कमल, और यहां पर कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पूछ रहा है। तो देखिए, अगर लास्ट वाले दिया होता है ना कि लास्ट के इतने दिन पहले छोड़कर चला गया, तो उसमें कभी आपसे ये नहीं पूछेगा कि बचा हुआ कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, क्योंकि काम बचा हुआ नहीं रहता ना, तो इसलिए इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछेगा, क्योंकि इसमें लास्ट से दिया हुआ कि 3 दिन पहले चला गया काम समाप्त होने से, तो 3 दिन का दिया हुआ कि ए ने कार्य किया है। ठीक है, तो इसमें आपसे ये नहीं पूछेगा कि बचा हुआ कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। आगे देखिए क्या है कि कमल एक काम को 15 दिन में कर सकता है,
तो जो कमल भाई साहब है वो किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। आगे क्या बोला है, जो विमल है वो कमल से 50% अधिक कार्य कुशल है। तो अगर ये 100 है तो ये 50% अधिक कितना है, 150। 100 वाला करता है कितने दिन में, 15 दिन में। एक वाला कितने दिन में करेगा, 15 × 100 दिन में। और 150 वाले का पूछा है तो 0 से 0 15 से 15 कितना आ जाएगा, 10 दिन आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आपका आंसर हो गया, 10 दिन। तो हमसे यही पूछा था, ठीक है, 10 दिन। तो हमसे यही पूछा था कि उस काम को विमल को करने में कितने दिन लगेंगे, उसको 10 दिन लगेंगे। ठीक है, एक कार्य कुशल वाला मैं प्रतिशत के चैप्टर में भी आपको करवा चुका हूं, लेकिन यहां पर भी पूछा जाता है तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि क्वेश्चन से बार बार रिपीट होता है। आगे देखिए क्या है कि 20 आदमी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, उन्होंने 3 दिन मिलकर 7 कार्य किया, उसके बाद 5 आदमी उनके साथ शामिल हो गए, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, तो देखिए क्या था कि 20 आदमी हैं वो किसी काम को 18 दिन में करते, ठीक है, उन्होंने 3 दिन तक 7 कार्य किया है, 3 दिन तक 7 कार्य किया, ठीक है, और उसके बाद 5 आदमी और शामिल हो गए, तो अब कितने आदमी हो गए, 25 आदमी हो गए। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें कि जो अब यहां पर जो सिंपल सा तरीका है उसी से कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूं कि किस तरीके से यूज करते हैं, कि 20 आदमी होते तो 3 दिन तो काम कर लिया उन्होंने, तो 20 आदमी का जो बचा हुआ काम 15 दिन का था, 20 आदमी उस काम को 15 दिन में करते, ठीक है, क्योंकि 3 दिन के बाद ही तो 5 आदमी शामिल हो रहे हैं। अगर 20 आदमी होते तो उस काम को कितने दिन में करते, 15 दिन में करते, क्योंकि 3 दिन का 18 दिन का कुल काम था, जिसमें से 3 दिन का काम हो चुका है तो 15 दिन का काम बचा हुआ है ना, इसलिए मैंने 15 लिखा है, कंफ्यूज मत होना। एक आदमी कितने दिन में करता, 15 × 20 दिन में, क्योंकि वो तो ज्यादा दिन लेगा एक आदमी। अब 25 आदमी है तो बटे में क्या कर देंगे, 25 कर देंगे, 5 × 20, 5 × 25, 5 × 3 15, 3 × 4 कितना हो जाएगा, 12 दिन। तो 25 आदमी कितने दिन लगेंगे, 12 दिन लगेंगे। समझ में आया ना, फिर से देख लीजिए कि 20 आदमी करते 15 दिन में, क्योंकि 20 आदमी 18 दिन में पूरे काम को कर रहे हैं, जिसमें से 3 दिन उन्होंने काम कर लिया है, 3 दिन के बाद 5 आदमी आ रहे हैं, तो अगर 20 आदमी होते तो उसको 15 दिन में समाप्त कर देते। ठीक है, अब क्या हो गया, 25 आदमी हो गए तो कितने दिन में कर देंगे, 12 दिन में कर देंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया। आगे देखिए क्या है, और जितने भी क्वेश्चन आज मैं करवा रहा हूं ना, जो आजकल के जो एग्जाम चल रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा जो टाइप रिपीट होती है ना, यही टाइप आपकी पूछी जाती है। आगे देखिए क्या है कि एक ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी वह 12 दिन में कर सकता है। ए है वो 20 दिन में कर रहा है, बी है उसे 12 दिन में कर रहा है। एलसीएम आ गया हमारा 60, यहां से आ गया 3, यहां से आ गया 5, ये इनकी काम करने की क्षमता आ गई। आगे देखिए क्या है, बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया। देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ना, कि बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया, उसके बाद ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। दोनों साथ काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट करेंगे, दोनों को साथ काम करेंगे, ठीक है, तो दोनों को साथ काम नहीं करना, ठीक है। और वैसे भी आप करके देखोगे तो 9 दिन और यहां पर 8, 9 × 72, तो ये तो हो गए नहीं, ठीक है, ऐसे भी चेक कर सकते हो, लेकिन क्या पता एलसीएम बड़ा हो, तो इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या बोला है कि बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया, कि बी ने वह कार्य 9 दिनों तक किया, उसके बाद लिखा हुआ ना, उसके बाद ए ने शेष कार्य को किया, तो 9 दिनों तक बी ने काम किया है। एक दिन में बी काम कितना करता है, 5 काम करता है, ठीक है, एक दिन में 5 काम करता है, तो 9 दिन में कितना काम करेगा, वो 45 काम करेगा। कुल काम 60 है, जिसमें से क्या करेगा, 45 काम करेगा, तो 15 काम बच गया। अब क्या बोला है कि शेष कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा, ए एक दिन में 3 काम करता है, तो 15 × 3 से भाग देंगे, 5 दिन, ठीक है, तो कितने दिन में समाप्त कर देगा, 5 दिन में समाप्त कर देगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। उसके बाद ए शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, 5 दिन में। अगर हमसे पूछे कि कुल कार्य कितने दिन में हुआ, 5 + 9 तो कितना दिन हो जाएगा, 14 दिन, ठीक है, यह भी आपसे पूछ सकता है। आगे देखिए, और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना, ठीक है, फिर अगले क्लास में अगली टाइप देखेंगे। क्या है कि ए एक कार्य को 20 दिन में, बी उसे 30 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले वही हमारा 20, और इसको आप अपनी स्पीड बना लीजिए, ठीक है, अपनी स्पीड बना लीजिए, जितना फास्ट आप लिख सकते हो इसको लिख देना, ठीक है, मैं आपको बताते हुए फटाफट लिख रहा हूं ना, इस तरीके से आपकी स्पीड बन जानी चाहिए।
वे दोनों एक साथ मिलकर 7 दिन तक कार्य करते हैं, दोनों एक साथ मिलकर 7 दिन तक काम करते हैं। एक दिन में करते हैं 5 काम, तो 7 दिन में कितना काम करेंगे वो, 35 काम। तो 35 काम इसमें घटा लेंगे तो 25 काम बचा, ठीक है, कितना काम बचा, 25 काम बचा। तत्पश्चात दोनों उसे छोड़ देते हैं। अब दोनों ने काम छोड़ दिया, ठीक है, दोनों ने क्या किया, 7 दिन तो काम किया मिलकर, उसके बाद दोनों ने एक साथ छोड़ दिया। दोनों दोस्त थे, एक साथ उन्होंने काम शुरू किया था, एक साथ काम उन्होंने छोड़ दिया। आगे क्या है, तब सी अकेला शेष कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेता है। सी अकेला शेष कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेता है, तो सी अकेला पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा ये हमें बताना है। तो शेष कार्य को सी कितने दिन में करता है, 10 दिन में, ठीक है। शेष कार्य कितना हमारा, 25, ठीक है, 25 को वो कितने दिन में कर लेता है, इस तरीके से कर सकते हो, 25 को कर लेता है वो 10 दिन में, ठीक है। एक काम को कितने दिन में करता, देख रहे हो कि 25 काम को वो 10 दिन में कर लेता है, एक काम को करता 10 बटे 25 दिन में, और काम कितना हमारा 60 काम है, तो 60 काम को कितने दिन में करेगा, यहां से काटेंगे 5 से 5, 5 से 12, 5 से 2 और 12 2 24 दिन, ठीक है। तो कितने दिन में करता, 24 दिन में कर लेता, समझ में आ गया ना, कितने दिन में करता, 24 दिन में इस काम को समाप्त कर लेता। और वैसे भी देख सकते हो कि 25 काम को 10 दिन में कर रहा है, 50 काम होता तो 20 दिन में कर लेता, ठीक है, 50 काम होता तो 20 दिन में कर लेता। अब 10 काम हो रहा है उसके लिए 4 दिन उसको एक्स्ट्रा लग जाएंगे, तो क्रॉस चेक भी हो गया हमारा, 24 दिन आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, समझ में आ गया ना। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला जाए वो आपको करना है, और लास्ट वाली लाइन का ज्यादा ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चंस में, कि जो पूछा गया है उसी का हमें आंसर देना है। इसमें आपने देखा होगा कि अलग अलग पूछे जाते हैं, जिसमें इसमें पूछा कि शी अकेले कितने दिन में कार्य करेगा, इसमें पूछा है कि एस एस कार्य को कितने दिन में करेगा, ठीक है, इसमें पूछा है कि काम पूरा कितने दिन में पूरा हो जाएगा। हर क्वेश्चन में आपको अलग दिखेगा, ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको अलग लाइन पूछी जाती है, तो इस जो अंतिम लाइन होती है ना उसका आपको ध्यान जरूर रखना है, ठीक है। अगले पुरुष, लड़के, महिला, स्त्रियां, सभी को एक साथ मिलाकर क्वेश्चन करने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। देखिए क्या है, पहले क्वेश्चन पे ही चलते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। यदि 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में कर देते हैं, ठीक है, यहां पर दिया गया है कि 6 पुरुष और 8 लड़के हैं, वो किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 15 पुरुष और 20 लड़के उसी काम को मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे ये हमें बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप स्टार्टिंग में ध्यान से देखते रहना, उसके बाद आपको ईजी लगने स्टार्ट हो जाएंगे। स्टार्टिंग में ध्यान से देख लेना पहले, क्या है कि क्या बोला गया, 6 पुरुष और 8 लड़के, तो 6 पुरुष, तो 6 पुरुष हैं तो उसको मेल लिखेंगे, प्लस में 8 लड़के तो इसको लिख लेंगे, लड़कों को बॉय लिख लेंगे बी से, ठीक है, और मिलकर कितने दिन में पूरा करते हैं, 10 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। काम सेम है सभी का, आगे क्या है कि काम सेम है और उसको क्या करते हैं कि 26 क्या है मैन है, प्लस में 48 क्या है बॉय है, लड़के हैं, और वो उसको 2 दिन में पूरा करते हैं। काम सेम है तो काम सेम है, आप इनको बराबर कर सकते हैं, बराबर करेंगे तो ये वाला इनसे गुना कर देंगे, ये वाला है ना इसको गुना कर देंगे, इसको गुना कर देंगे, इस वाले को इससे गुना कर देंगे, इस वाले को इससे गुना कर देंगे, क्योंकि ये दिन दिया हुआ है, ठीक है, तो यहां पर गुना कर देंगे, हमारे पास काम आ जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं, पहले मैं सिखा रहा हूं, सिर्फ बेसिक में करेंगे, बाद में जब हम क्वेश्चन पेपर में सोल्व करेंगे ना तब ऐसे नहीं करना, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो हम डायरेक्ट करेंगे, तो यहां से आ गया क्या, 60 मैन प्लस में 80 बॉय बराबर क्या आ गया, 52 मैन प्लस में 96 बॉय, ये हमारा आ गया। बॉय को एक तरफ रखेंगे, मेन को इधर लेके जाएंगे, मेन को इधर लेके गए, आदमियों को इधर लेके जाएंगे, तो 60 मैन माइनस 52 मैन बराबर ये इधर हो जाएगा 96 बॉय, और ये इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का, माइनस का 80 बॉय, ठीक है। यहां से कितना बच गया, 8 मैन बच गया, क्योंकि 60 में से 52 गया, तो कितना बच गया, 8 बच गया, तो हम यहां पर लिखेंगे 8 मैन बराबर, यहां पर देखेंगे तो कितना आ गया, ठीक है, यहां पर देखेंगे तो कितना बच रहा है हमारा, यहां पर कितना बच रहा है, 16 बच रहा है, ठीक है, 16 बॉय बच रहा है,
बी को इसके नीचे ले आते हैं तो एम इधर रह गया, बी इसको नीचे ले आए, इधर 16 है ये गुना वाला जाएगा तो नीचे भाग में चला, काटेंगे तो 8 दूनी 16 है, 8 एकम 8, 2:1 आ गया, ये क्या आ गया इनका काम आ गया। ठीक है, इतना बड़ा नहीं होगा, ठीक है इतना बड़े नहीं होगा, बस समझाने के लिए, एक बार समझ जाओगे सॉल्यूशन आप आसानी से निकाल दोगे। तो मैन का काम कितना हो गया 2, यानी कि आदमी है वो 2 काम करेगा और बॉय है वो क्या काम करेगा 1 काम करेगा, ये इनका काम आ गया। ठीक है, जो इनका अनुपात आ गया ना, ये इनका काम आ गया कि ये 2 काम करता है ये 1 काम करता है। अब या तो इसमें कर लीजिए, ठीक है, या आप इसमें कर लीजिए, ठीक है, किसी में करोगे तो हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा, कुल काम निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कर लेते हैं, तो मैन है 2 काम करता है तो 60 दूनी कितना हो गया 120 हो गया, 120 प्लस में 80 है और बॉय 1 काम करता है तो 80 गुना 80 हो जाएगा, तो कुल कितना हो गया, कुल काम हो गया हमारे पास 200 काम हो गया। ठीक है, कितना काम हो गया 200 काम हो गया। अब करवाना किससे है, 15 पुरुष से और 20 लड़के से, तो एक पुरुष 2 काम करता है तो 15 पुरुष कितना काम करेंगे 30 काम करेंगे, प्लस में 20 लड़के कितना काम करेंगे, एक लड़का 1 काम करता है तो 20 लड़का 20 काम, तो 30 और 20 50 काम, 50 काम हो रहा है एक दिन में और कुल काम है 200, तो काटेंगे तो कितना दिन लगेगा 4 दिन का समय हमें लगेगा, कितने दिन का समय लगेगा 4 दिन का समय लगेगा, ऑप्शन नंबर 2 यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना किस तरीके से किया, एक बार रिपीट करवाता हूं फिर मैं आपको इसका शॉर्ट बताता हूं किस तरीके से, यही बनेगा शॉर्ट और कुछ नहीं है, शॉर्ट यही बनेगा। सबसे पहले जो हमें दिया गया था उसको हमने यहां पर लिखा, उसके बाद इसको गुना करके और इसको आपस में इन सभी को गुना करके बराबर में कंपैरिजन किया, फिर कंपैरिजन करते ही हमें मैन और बॉय की काम करने की क्षमता पता चल गई कि मैन है वो 2 काम करता है, बॉय 1 काम करता है। इसके बाद यहां पर हमने रखा, या आप यहां पर रख सकते हो तो भी 200 ही आएगा, यहां पर रखोगे ना तब भी 200 ही आएगा, मैन 2 काम करता है तो 2 से गुना कर देंगे, बॉय 1 काम करता है तो 1 से गुना कर देंगे, कुल काम निकल के आ गया हमारा 200। इसके बाद बोला गया कि 15 पुरुष और 20 लड़के कितने दिन में करेंगे 200 काम को, ठीक है क्योंकि कुल काम 200 हो गया ना ये हमें पता चल गया, तो इसके बाद एक पुरुष 2 काम करता है तो 15 पुरुष 30 काम करेंगे, एक लड़का 1 काम करता है तो 20 काम करेंगे, 30 20 50 काम हो रहा है एक दिन में, एक दिन में 50 काम हो रहा है तो 200 काम कितने दिन में हो जाएगा 4 दिन में हो जाएगा। समझ में आ गया ना, और इसका शॉर्ट कहीं से बनेगा, आपको ये सारी चीजें लिखना ही नहीं है, आप डायरेक्ट गुना करोगे, डायरेक्ट जैसे ही आपको दिखाई ये वाला क्वेश्चन ये आपको नहीं लिखना, ठीक है डायरेक्ट गुना करोगे, यहां पर भी आप डायरेक्ट घटाओगे कि 60 में से 52 गया 8 मैन, तो आप डायरेक्ट यही लिखोगे, यहां पर आपको पता चल गया 96 में से 80 गया तो 16 बॉय। ठीक है, लेकिन ये कब होगा प्रैक्टिस से, आगे वाला क्वेश्चन देखिए, इससे और पता चलेगा आपको क्या है, यदि 16 पुरुष या, ठीक है उसमें देखिए क्या था, इसमें क्या था और, ठीक है इसमें क्या था और का मतलब क्या कर रहे थे, जोड़ कर रहे थे हम, ठीक है और का मतलब क्या कर रहे थे, जोड़ कर रहे थे हम, समझ में आ गया, लेकिन या आ जाए या अथवा आ जाए, या तो या आ जाए या आपका क्या आ जाए अथवा आ जाए, तो इनके लिए जोड़ नहीं करेंगे, इसका मतलब होता है या तो पुरुष करेगा या स्त्री करेगी, ठीक है तो यही होता है। अब यहां पर क्या बोला गया कि 16 पुरुष या 20 स्त्रियां एक काम को 25 दिन में करती हैं, तो क्या बोला गया इसका मतलब कि 16 मैन है वो बराबर है कितनी स्त्रियों के, 20 वुमेन के, ठीक है 20 स्त्रियों के बराबर है, तो मैं इधर रखेंगे W नीचे ले आएंगे यानी वुमेन को नीचे ले आएंगे तो 20/16 काटेंगे तो 4 से कट रहा 4 5 20 4 4 16, ये जो मैन होगा वो 5 काम करेगा, स्त्री होगी वो क्या कितना काम करेगी 4 काम करेगी, ये एक दिन का काम आता है, आपको पता है ना ऐसे ही हम निकालते हैं। ठीक है तो अब आगे देखे क्या है, आगे बोला गया कि 28 पुरुष और 15 स्त्रियां हैं उसे कितने दिन में काम करेंगी, तो सबसे पहले हमें टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क निकालना है तो आप इससे भी निकाल सकते हो और आप इससे भी निकाल सकते हो, अगर आप पुरुष लोगे तो इसको पुरुष के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा तो क्या हो गया कि 16 गुना 5 तो 80 और गुना में कितने दिन में, ये एक दिन का काम है 25 दिन का काम है तो ये टोटल काम हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टोटल काम। या अगर आप पुरुष नहीं लेना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, कुछ लड़कियां होंगी जो स्त्रियां लेना चाहेंगी तो आप स्त्रियां ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसके लिए 20 गुना में एक स्त्री कितना काम करती है वुमेन 4 काम करती है गुना में 25 दिन, सेम गुना करोगे ना सेम आएगा, कितना आ गया ये 100 और 100 को 20 से गुना किया
ठीक है, तो ये आएगा, इसको भी यहां पर आपका 80 और इसको 25 से गुना करेंगे, सेम आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आएगा। ठीक है, अब इसको पहले ऊपर वाले से ही कर लेते हैं, हम इसको सो लिया, हमें पता चल गया। अब आगे देखिए क्या है कि 28 पुरुष, तो एक पुरुष 5 काम करता है, तो 28 पुरुष कितना काम करेंगे, 28 गुना 5 और जितना कितना हो जाएगा, ये 140 काम हो जाएगा, क्योंकि 20 होता तो 100 और 40, 140 काम हो गया। 15 स्त्रियां, एक स्त्री 4 काम करती है, तो 15 स्त्रियां कितना काम करेंगी, 60 काम करेंगी, क्योंकि 15 गुना 4 60, तो प्लस में 60 हो गया, तो कितना हो गया ये 200 हो गया, 200 काम हो रहा है एक दिन में, टोटल काम हमारा ऊपर लिखा हुआ है तो 200 नीचे लिखेंगे, 25 अंठे 200, 8 दुनी 16, 2 गुना 5 कितना हो गया, 10 दिन हो गया, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो गया। समझ में आया ना, ये क्वेश्चंस थोड़े से अजीब लग रहे होंगे, ठीक है, थोड़े से हार्ड लग रहे होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। 16 पुरुष बराबर 20 स्त्रियां हैं, या लिखा हुआ है, या का मतलब है कि या तो पुरुष काम कर रहे हैं या महिला काम कर रही है, दोनों मिलकर काम नहीं कर रहे। देख पिछले वाले में क्या था, और था, और का मतलब था कि लड़के और पुरुष दोनों मिलकर काम कर रहे थे, और का मतलब है मिलकर काम करना, ठीक है, जोड़। और या का मतलब, या अथवा का मतलब है, या तो पुरुष काम कर रहे होंगे या स्त्रियां काम कर रही होंगी, ठीक है, तो दोनों का कंपैरिजन करना था बराबर, ताकि हमें उनकी कैपेसिटी पता चल सके। कैपेसिटी हमारी आ गई 5 और 4, ठीक है, तो उसके बाद अगर पुरुष की में रखेंगे तो 80 गुना 25 कर लेंगे, ठीक है, 16 × 5 = 80 गुना 25, ये हो गया टोटल वर्क। स्त्री की में रखेंगे तो 20 × 4 = 80, ठीक है, गुना में 25 हो गया, तो ये भी क्या हो गया, 20 × 4 = 80 गुना में 25, ये भी सेम है, ठीक है, और कुल काम हमें पता चल गया कि ये कुल काम हो गया। अब हमसे पूछा है कि 28 पुरुष और 15 स्त्रियां कितने दिन में करेंगी, एक पुरुष 5 काम करता है तो 28 गुना 5 कितना हो गया 140, एक स्त्री 4 काम करती है तो 15 गुना 4 कितना हो गया 60, कुल काम हो रहा है एक दिन में 200 काम हो रहा है, ठीक है, और कुल काम है हमारे पास ये, तो बस इसको भाग दे देंगे 200 से, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा क्या, 10 दिन में हो रहा है, क्योंकि 2000 था ना वो गुना में हमने किया तो था, यहाँ पे हमने गुना किया था ना, 2000 आया था हमारा, क्योंकि 25 × 4 = 100 और 100 को 20 से गुना किया तो कितना हो गया 2000 हो गया। आगे देखिए इस वाले में, ये वाला अथवा वाला है, ताकि मैंने इसलिए लिया ताकि कंफ्यूज ना हो, अथवा आएगा तब भी हम वैसे ही करेंगे। इसमें क्या बोला गया कि 5 पुरुष 8 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिन में करती है, तो 5 मैन बराबर क्या हो गया, 8 वुमेन हो गई, ठीक है, W को नीचे लेके आएंगे तो ये आ जाएगा आपका 8 और 5, ये वाला इसके नीचे आ गया, यानी कि आदमी काम करेगा 8 और महिला काम करेगी 5, ठीक है, तो महिला 5 काम करेगी और जो आदमी है वो 8 काम करेगा। लेकिन अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, कुल काम निकालेंगे, तो कुल काम के लिए क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे या तो, या आप इससे कर सकते हो, तो इसका कर लेते हैं मैन का, ठीक है, आदमी से करेंगे तो आदमी एक दिन में 8 काम कर रहा है तो 5 दिन में कितना काम करेगा, 40 काम, ठीक है, सॉरी 5 आदमी कितना काम करेंगे, 40 काम, ये एक दिन का काम हो गया, लेकिन काम 12 दिन हो रहा है तो 40 × 12 ये क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल काम हो जाएगा। इसके बाद क्या बोला गया कि उसी कार्य को 2 पुरुष तथा 4 महिलाएं कितने समय में कर पाएंगे, 2 पुरुष, एक पुरुष 8 काम करता है तो 2 पुरुष कितना काम करेंगे, 16 काम करेंगे, प्लस में, ठीक है, देखिए और लिखा हुआ है ना, तो प्लस का यूज किया हमने, 4 महिलाएं, एक महिला 5 काम करती है तो 4 महिलाएं 20 काम करेंगी, तो कुल काम कितना हो गया, 36, एक दिन का काम हो गया, इसके बटे में कर देंगे तो 12 × 3 = 36, ये आ गया 40/3, तो ये आ जाएगा 13 सही 1/3, 13 × 3 = 39 और 1 = 40, तो 13 सही 1/3 दिन आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना, ठीक है, और यहां पर अगर महिलाएं हैं, बोल सकती हैं, लड़कियां बोल सकती हैं, सर आप सिर्फ मेल का करवा रहे हो, महिलाओं का भी करवा के बताइए, तो हम वो भी करवा देते हैं ताकि आप कोई दिक्कत ना हो आपको। देखिए सबसे पहले करते हैं इसको, महिलाओं का लेते हैं, एक महिला कितना काम करती है, 5 काम करती है, तो 8 महिला कितना काम करेंगी, 8 × 5 = 40 काम होगा, कितने दिन में हो रहा है, 12 दिन में, तो ये हो गया टोटल वर्क, ठीक है, बटे में हमें वही लिखना है, तो 8 × 2 = 16, ठीक है, और 20 = 36, बटे में 36 लिखना है, 12 × 3 = 36, तो ये भी आपका 40/3 ही आएगा, ठीक है, और इसको हम 13 सही 1/3 लिख देंगे, 13 सही 1/3 दिन, जो आपका यही आंसर होगा, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा चाहे आदमी का निकालो चाहे महिला का निकालो, ठीक है, बस स्टार्टिंग में इनका कंपैरिजन कर लेना ताकि हमें ये पता चल जाए कि इनकी कैपेसिटी क्या है, इनकी क्षमता क्या है। आगे देखिए क्या है,
इस बार सब कुछ आ गया, ठीक है। पहले आदमी और महिला थे, देखिए इसमें आदमी और महिला थे, आपको पता कि अब जनरेशन बढ़ेगी, ठीक है, तो ये बढ़ गई, अब यहां पर लड़का भी हो गया उनके। तो यहां पर देख लेते हैं कि एक एक पुरुष, एक स्त्री, एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि एक मैन प्लस एक वुमेन प्लस एक बॉय जो मिलकर है वो इस काम को 3 दिन में कर देते हैं, ये बोला गया। आगे है कि यदि एक पुरुष अकेला उसे 6 दिन में करे, पुरुष अकेला यानी जो मैन है वो अकेला कितने दिन में करे, 6 दिन में करे। आगे है कि एक लड़का अकेला 18 दिन में पूरा करे, जो बॉय है वो कितने दिन में पूरा करे, 18 दिन में पूरा करे। तो हमसे पूछा है कि एक स्त्री है वो अकेली उस काम को कितने दिन में पूरा करेगी, यानी जो हमारी वुमेन है ना वो कितने दिन में पूरा करेगी, ये हमसे पूछा गया है। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन बन गया, ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन बन गया ये वाला तो, ठीक है, इसको तो आप निकाल देंगे। एलसीएम लेंगे, सबसे पहले एलसीएम आ गया 18, यहां से आ गया 6, यहां से 3, यहां पे 1, तीनों की क्षमता कितनी है, 6 है, क्योंकि यहां पर तीनों है ना, तीनों की क्षमता 6 है। अगर तीनों की में से मैन और बॉय की घटा देंगे, यानी आदमी और लड़के की घटा देंगे, स्त्री की पता चल जाएगी, आदमी और लड़के की कितनी है, दोनों की 4 है, तो 6 में से 4 गई, कितनी बच गई, 2। तो औरत है उसकी काम करने की क्षमता कितनी है, 2 है, एक दिन में 2 काम कर रही है, कुल काम है हमारा 18, 18 काम है, उसको 2 से भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना दिन लगेगा, तो 9 दिन में काम को कंप्लीट कर देगी। जो स्त्रियां है ना, जो स्त्री है, जो महिला है, वो कितने दिन में कर देगी, 9 दिन में कर देगी। समझ में आ गया ना कैसे किया, पहले तीनों का दिया हुआ था तो 3, और यहां पर मैन का 6, और जो बॉय कर रहा है वो 18 दिन में, एलसीएम लिया 6 3 1 आ गया। तीनों की काम करने की क्षमता है, एक दिन की कैपेसिटी है, वो कितनी है, वो 6 दी हुई है, उसमें से अगर मैन और बॉय की घटा देंगे तो स्त्री की पता चल जाएगी, तो दोनों की कितनी है, 3 + 1 = 4 है, 6 में से 4 गई, 2 बच गई, 18 काम है, 2 के हिसाब से करेगा, कितना दिन लगेगा, 9 दिन लगने वाले हैं, ठीक है। स्त्रियां बहुत स्ट्रांग होती है भाई काम करने में, ठीक है। आगे देखिए क्या है, एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का किसी काम को, कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में करते हैं, इसमें अलग अलग दे दिया गया। तो एक मैन कितने दिन में करता है, 20 दिन में, एक वुमेन है वो 30 दिन में करती है, और एक बॉय है वो कितने दिन में करता है, 60 दिन में करता है। तो सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, 60 3 2 1, ये इनकी काम करने की क्षमता आ गई, 3 2 1, ठीक है, ये इनकी क्या आ गई, कैपेसिटी आ गई, इनकी क्षमता आ गई, ठीक है। आगे देखिए क्या है, 2 आदमियों तथा 8 औरतों को उस कार्य को पूरा करने में सहायता करने के लिए कितने लड़के काम पर रखे जाएं ताकि कार्य है वो 2 दिन में पूरा हो सके। काम कितने दिन में पूरा करवाना है, काम को 2 दिन में पूरा करवाना है, ठीक है, क्वेश्चंस दिख रहा है ना, क्वेश्चंस दिखना जरूरी है। काम को कितने दिन में पूरा करवाना है, 2 दिन में पूरा करवाना है। तो 60 काम है, उसको 2 दिन में पूरा करवाना है, तो एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा हमें, 30 काम करना पड़ेगा, तभी 2 दिन में पूरा होगा। तो 2 आदमी काम कर रहे हैं, एक आदमी 3 काम करता है, तो 2 आदमी कितने काम करेंगे, 6 काम करेंगे, ठीक है। 8 महिलाएं काम कर रही हैं, एक महिला 2 काम करती है, तो 8 महिलाएं कितने काम करेंगी, 16 काम करेंगी, ठीक है। और ये दोनों मिलकर कितना काम कर देते हैं, 22 काम कर देते हैं। और हमें एक दिन में काम कितना करवाना है, 30 करवाना है, तो एक लड़का एक दिन में 1 काम करता है और हमारे 30 काम करवाना है जिसमें से 22 हो चुका है, तो 8 काम करवाना है। तो एक लड़का 1 काम करता है तो 8 काम कितना लड़के करेंगे, 8 लड़के करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा, 8 लड़के। हमसे यही पूछा गया था कि कितने लड़कों को काम पर रखा जाए ताकि काम 2 दिन में पूरा हो जाए, एक दिन में 30 काम करना था तो 22 काम तो एक दिन में ये जो महिला और पुरुष है वो ही कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हमें बताना था कि लड़के कितने होंगे, लड़का एक दिन में 1 काम करता है, ठीक है, एक लड़का 1 काम करता है, तो 8 लड़के चाहिएंगे ना 8 काम करने के लिए, क्योंकि 30 में से 22 काम हो चुका, 8 काम करवाना है हमें लड़कों से, तो एक लड़का 1 काम करेगा तो 8 लड़के 8 काम कर देंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, ये अथवा वाला आ गया है, क्या है कि एक आदमी अथवा 2 औरत अथवा 3 लड़के किसी कार्य को पूरा करने में 88 दिन लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है, हम उसी को लिखते हैं पहले, कि एक मैन बराबर 2 वुमेन बराबर 3 बॉय, ये है। तो इनका अनुपात निकालने के लिए, इनकी क्षमता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनके एलसीएम से इसको
कर देंगे, एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया, तो 6 से भाग देंगे 6 आ गया, ये 3 आ गया, 6 को 2 से भाग दिया 3, और ये 6 को 3 से भाग दिया 2, ये इनकी क्षमता आ गई। ठीक है, अब हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, क्षमता कितने दिन काम किया, ठीक है, कितने दिन काम किया और एक दिन का काम, तो कितने आदमी है, ये एक आदमी है और वो 6 काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, 1 गुना 6 और गुना में 88 दिन काम कर रहा है, तो ये टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं सिर्फ इसी से निकालोगे, आप इसी से इससे भी कर सकते हो, क्योंकि पहले क्या कर रहे थे, मैन वुमेन से कर रहे थे, या तीनों है तो किसी में भी कर सकते हो, इससे करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 3 गुना 2 गुना में 88, ये भी कितना हो गया, 6 गुना 88 हुआ ना, ठीक है, ये भी 6 गुना 88 है, यहां से करोगे 3 दूनी 6 गुना में 88 सेम रहेगा, किसी से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया टोटल वर्क हो गया। आगे क्या बोला गया कि एक आदमी एक औरत तथा एक लड़का मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। ठीक है, क्या बोला गया कि एक आदमी एक औरत और एक लड़का मिलकर, तो एक आदमी काम करता है 6, एक औरत काम करती है 3 और एक लड़का काम करता है 2, तो 6 3 9 और 2 11, तो कितना काम हो गया, 11 काम हो गया, तो 11 क्योंकि सारे एक एक है ना, एक है तो एक से गुना किया तो 6 आया, एक से गुना किया 3 आया, एक से गुना किया 2 आया, तीनों को जोड़ा तो 11 आ गया, तो 11 से काटेंगे 11 8 88 और 6 8 48 दिन, तो कितने दिन का समय लगेगा, 48 दिन का समय लगेगा। समझ में आ गया ना सभी को, ठीक है, समझ में आ गया ना, यहां पर कंफ्यूज मत होना, ये कहां से आया, अगर ये पूछना चाहते हो तो जैसे कि अनुपात वाले में करते हैं ना उसी तरीके से कर सकते हो, या हम इसको 6 ऊपर लिख लेंगे एलसीएम, ठीक है, तो इनको काटेंगे ना तो ये कितने पे जाएगा, 6 पे जाएगा, तो मैन का 6 हो गया, वुमेन का 3 हो गया, बॉय का 2 हो गया, ठीक है, तो 6 3 2 इस तरीके से हमने यहां पर लिखा है। आगे देखिए क्या है, आगे क्वेश्चन देखिए क्या है कि 20 औरत मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में पूरा करती हैं, ठीक है, 20 वुमेन है वो किसी कार्य को 16 दिन में पूरा करती है, तो एक वुमेन कितने दिन में करेगी, 20 गुना 16 दिन में करेगी। ठीक है, क्या है कि यहां पर देखिए क्या है कि 20 वुमेन है किसी कार्य को 16 दिन में करती है, ठीक है, वुमेन लिखा हुआ ना तो वुमेन लिखेंगे, तो एक वुमेन होगी वो उस काम को कितने दिन में करेगी, 16 गुना 20 दिन में, क्योंकि ज्यादा समय लगी ना तो 16 गुना 20 दिन में करेगी। आगे क्या बोला गया कि 16 आदमी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं, तो 16 मैन है वो उसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, तो एक मैन कितने दिन में करेगा, 15 गुना 16 दिन में करेगा। ठीक है, आगे क्या बोला गया कि एक आदमी की कार्य क्षमता का एक औरत की कार्य क्षमता से अनुपात क्या होगा, तो एक औरत की देखिए क्या कि एक आदमी की कार्य क्षमता का, एक आदमी की कार्य क्षमता, तो आदमी की कार्य क्षमता कौन सी है, ये 15 गुना 16 है ना, ये एक आदमी की कार्य क्षमता है, अनुपात पूछा तो अनुपात, और एक औरत की कार्य क्षमता कितनी है, 16 गुना 20, काट देंगे 16 से 16 कैंसिल हो गया, 5 3 15 5 4 20, तो 3 अनुपात 4 क्या आ जाएगा आपका, यहां पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक आदमी की कार्य क्षमता का एक औरत की कार्य क्षमता से अनुपात पूछा है। ठीक है, समझ में आ गया ना, तो कितना हो जाएगा, 3, पहले आदमी का बोला है तो आदमी का पहले लिखेंगे 15 गुना 16। ठीक है, क्योंकि यहां पर औरतों औरत का था तो ये औरत वाला था। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखिए क्या है, एक पिता उतनी जल्दी काम को कर सकता है, एक पिता है वो काम को उतना जल्दी कर सकता है जितना जल्दी उसके 2 बेटे मिलकर कर सकते हैं। ठीक है, तो तभी तो बोला जाता है कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। ठीक है, 2 बेटे मिलकर कर रहे हैं ना, उतना एक बाप कर रहा है। ठीक है, बोला गया ना कि पिता कर रहा है, तो इसलिए बोला जाता है कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तो आगे क्या बोला गया, यदि एक बेटा 3 घंटे में काम कर सकता है, दूसरा बेटा 6 घंटे में काम कर सकता है। मान लेते हैं पहला बेटा ए वो 3 घंटे में करता है, दूसरा बेटा बी है वो 6 घंटे में करता है, तो एलसीएम निकालेंगे 6, ये आ गया 2 और ये आ गया 1। ठीक है, क्या बोला गया कि दोनों मिलकर जितने समय में करते हैं, तो क्या बोला गया, देखिए क्या है कि एक पिता किसी काम को कर सकता है जितना जल्दी उसके 2 बेटे मिलकर करते हैं। 2 बेटे मिलकर कितने समय में करते हैं, ये 2 है इसकी काम करने की क्षमता, इसकी 1 है, ये दोनों 3 हो गई, 6 काम है उसको 3 की स्पीड से करेंगे तो 2 घंटे में करते हैं। और यही आपसे बोला गया कि जितने में दोनों बेटे मिलकर करते हैं, दोनों बेटे मिलकर करते हैं, ये दोनों बेटे 2 घंटे में मिलकर कर रहे हैं, उतने में पिता कर देता है, तो पिता क्या पूछा है, उस काम को करने में पिता कितना समय लगेगा,
दो घंटे का समय लगेगा, ठीक है। तो पिता को करने में कितना समय लगेगा उस काम को, दो घंटे का समय लगेगा, जो ऑप्शन नंबर दो आपका दिया हुआ है। वैसे तो हमने जो काम और समय है ना उसमें बेसिक चीजें पढ़ रखी हैं, तो बेसिक नहीं पढ़ेंगे, सेम वो ही है, बस हम क्वेश्चंस की टाइप देखेंगे कि कैसे इनको सोल्व किया जाता है, बस यही हम देखने वाले हैं। देखिए क्या है कि दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 और 30 मिनट में खाली कर सकते हैं। तो ए है वो कितने मिनट में करता है, 20 मिनट में, और बी है वो कितने मिनट में करता है, 30 मिनट में। पहले जो काम होता था वहां पर अब होगा टंकी भरने का, ठीक है, या टंकी खाली करने का काम होगा। यहां पर भी काम की जगह पे सिर्फ क्या बोल दिया जाएगा कि टैंक को भरा जाता है, टंकी को भरा जाता है, किसी को भी भरा जाता है, तो वो उनका काम हो जाएगा। इसके बाद हम यहां पर क्या लेते थे, एलसीएम ले रहे थे, जो हमारा होता था टोटल वर्क, और यहां पे होगा कि जो टंकी में डाला गया टोटल पानी होगा ना वो यहां पे होने वाला है। इसके बाद ये इनकी क्षमता आ जाती थी। क्षमता का मतलब क्या था हमारा, कि क्षमता का मतलब है कैपेसिटी, यानी जो आदमी है कितना काम करता है एक दिन में। तो उसी तरीके से यहां पर है कि एक घंटे में कितना काम करेगा, मिनट का, तो एक मिनट में कितना काम करेगा, ये हमारा यहां पर आ गया है, ठीक है। सेम एज इट इज है, कोई भी चेंजेज इसमें नहीं है। आगे देखिए क्या है, यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो दोनों को, दोनों कितना भरते हैं, ये भरता है 3, ये भरता है 2, दोनों मिलकर कितने भरेंगे, 5। भरना कितना है हमारा, 60 भरना है, 5 की स्पीड से भरा जा रहा है, तो कितने पे जाएगा, 12 मिनट में भर दिया जाएगा, 12×5=60, ठीक है, समझ में आ गया ना। सेम एज इट इज, पहला बेसिक क्वेश्चंस था काम और समय का, सेम वैसा ही है कि 20, 30, 60, 3, 2, ये क्या आ गई इनकी क्षमता आ गई, ये इनकी कैपेसिटी आ गई है, ठीक है। कुल कितना भरना है, 60 भरना है, और एक मिनट में कितना भर रहे हैं, 5, ठीक है। तो 60 कितने मिनट में भरेंगे, 60/5 यानी 12 मिनट, समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे क्वेश्चंस देखते हैं, ये बेसिक क्वेश्चंस था, अब पेपर के लेवल पे आ जाते हैं हम, जो आपके पेपर में जो क्वेश्चंस पूछ जाते हैं ना उन लेवल पे आ जाते हैं। देखिए क्या है कि 3 नल ए बी सी एक टंकी को 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे ए बी और सी कितना है, 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। तो इनका एलसीएम लेंगे, 60 आ गया, यहां से आ गया 5, यहां से आ गया 4, यहां से आ गया 3। ये इनकी क्या आ गई, कैपेसिटी आ गई, ये इनकी क्षमता निकल के आ गई। देखते रहना, यहां पर बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आपके पेपर में जरूर क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। यदि नल एक ए पूरे समय पे खुला रहे, अब क्या बोला गया कि नल है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ही बोल देता हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको कि यदि नल ए पूरे समय खुला रहे, यानी जितने समय तक टंकी भरेगी ना तो नल ए है वो खुला रहेगा। आगे क्या बोला गया, बी और सी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं, यानी एक घंटे बी फिर सी, जिस समय बी खुला हुआ है उस समय सी नहीं खुलेगा, जिस समय सी खुला हुआ उस समय बी नहीं खुलेगा, तो खोले जाते हैं। तो टंकी कितने समय में भर जाएगी ये हमें बताना है। तो देखिए पहले घंटे में हम ए और बी लेंगे तो ये कितना भरेंगे, 9 भरेंगे, ठीक है। दूसरे घंटे में अब बी नहीं होगा, ए और सी होगा, तो वो कितना भरेंगे, 8 भरेंगे, ठीक है। और 9 यहां पर लिख देता हूं मैं, ठीक है, इधर तो ये भरेंगे 9, ये भरेंगे 8, और अगर यहां पर दोनों मिलकर भरेंगे तो 17, लेकिन कितने घंटे में, जो 2 घंटे में, जो 17 भरा जाएगा ना वो कितने घंटे में भरा जाएगा, 2 घंटे में भरा जाएगा, समझ में आया ना। रिपीट करवाता हूं, पहले बोला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपके पेपर के लिए, ये तो आपको सभी को पता चल गया। इसके बाद क्या बोला गया कि यदि नल ए है वो पूरे समय खुला रहे, तो नल ए तो हमेशा चालू रहेगा, हमेशा ऑन रहेगा, लेकिन एक घंटे बी चलेगा, एक घंटे सी चलेगा। तो जब बी चलेगा तब तो एक घंटे में 9 भरेंगे, जब सी चलेगा ए तो रहेगा ही, साथ में सी की 3 है तो 8 भरेगा, दोनों भरेंगे 17, लेकिन कितने घंटे में, 2 घंटे में, एक बार 9, एक बार 8, और दोनों 17, लेकिन 2 घंटे में। अब भरना कितना है, 60 भरना है, 17 की स्पीड से भरेंगे तो 3 घंटा तो पूरा पूरा हो जाएगा, क्योंकि 17×3=51, अब 9 बच गया, ठीक है। लेकिन ये 3 घंटे को क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, तो 3×2=6, क्यों कर रहे हैं ना, पता चल गया ना आपको, ठीक है, क्योंकि 17 भरा जा रहा है वो 2 घंटे में भरा जा रहा है, तो 3 आया तो 3×2 से गुना करेंगे तो 6 घंटे यहां से हमारा निकल के आ गया। अब क्या बच गया, 9 बच गया, ठीक है। तो अब कौन सा भरेगा, ए और बी भरेंगे, और वो कितना भरते हैं घंटे में, 9, तो 9 को वो 1 घंटे में भर देंगे, तो 6 घंटे ये और 1 घंटा ये, तो कितना हो जाएगा आपका यहां पर, 7 घंटे आपका यहां पर आंसर हो जाएगा,
सात घंटे ऑप्शन नंबर तीन में दिया हुआ है। समझ में आ गया ना किस तरीके से किया है, फिर से रिपीट करवाता हूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहले ही बोला है कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। पहले पांच चार तीन ये इनकी कैपेसिटी आ गई, फिर बोला गया कि पहले घंटे में ए और बी भरते हैं, तो ए और बी भरते हैं, नो। ठीक है, इसके बाद आपसे बोला गया कि फिर ए और सी भरते हैं और वो कितने भरेंगे, आठ भरेंगे एक घंटे में। तो यहां पर दोनों मिलकर कितना भर रहे हैं, सत्रह भर रहे हैं, लेकिन कितने घंटे में भर रहे हैं, दो घंटे में, क्योंकि एक घंटे में नौ भर रहे हैं, दूसरे घंटे में आठ भर रहे हैं, तो दोनों मिलकर सत्रह भरेंगे लेकिन दो घंटे में। अब सत्रह से इसको भाग देंगे तो तीन पे पूरा पूरा जा रहा है, तो तीन को दो से गुना करेंगे, दो से क्यों गुना करेंगे ये आपको पता चल गया, तो छह घंटे यहां से आ गया। इसके बाद हमारा नौ बच गया, तो नौ बचा हुआ है तो सबसे पहले कौन भरते हैं, ए और बी भरते हैं, तो पहले उनका नंबर आएगा तो वो नौ से डिवाइड करेंगे, तो एक घंटे पे जा रहा है तो छह घंटे ये और एक घंटा ये, ठीक है, एक घंटा ये, तो कितना हो जाएगा, सात घंटे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे देखिए क्या है कि एक पाइप किसी टंकी को पांच घंटे में भर सकता है और टंकी को दूसरा पाइप चार घंटे में खाली कर सकता है। ये खाली करने वाला है, ध्यान से पढ़ना इसमें, ठीक है, खाली करने वाला होगा, भरने वाला होगा। तो एक पाइप है किसी टंकी को पांच घंटे में पानी से भर सकता है, तो ये भर सकता है, तो मान लेते हैं ए है वो पांच घंटे में भर सकता है। इसके बाद बी है, वो क्या है कि बी है वो चार घंटे में खाली कर सकता है, तो जो इसकी कैपेसिटी आएगी ना उसको हम माइनस में लिख लेंगे ताकि हमें पता चल जाए क्या है वो खाली करने वाला है। तो ये चार घंटे में भरता है तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो 20 आ गया, यहां से चार और यहां से पांच, और ये माइनस की पांच आई है, क्यों, क्योंकि ये खाली करने वाला है। आगे देखिए क्या है, यदि टंकी पूर्णतया भरी हुई हो, जो टंकी है ना वो पूर्णतया भरी हुई है, पूर्णतया भरी हुई है मतलब उसमें 20 लीटर पानी डाला हुआ है। आगे देखिए क्या है, और दोनों पाइप को खोल दिया जाए, दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो टंकी निम्न समय में खाली हो जाएगी। अब देखिए सबसे पहले तो ये पता करना होगा कि टंकी खाली होगी या नहीं होगी, तो अगर खाली करने वाले पाइप की कैपेसिटी ज्यादा है तो खाली होगी, और अगर भरने वाले पाइप की कैपेसिटी ज्यादा है तो टंकी भरी जाएगी। तो यहां पर देखेंगे माइनस वाला है, खाली करने वाला की ज्यादा है तो टंकी खाली हो जाएगी, लेकिन कितनी खाली होगी, क्योंकि पांच भरा जाए, पांच खाली किया जाएगा और चार उसमें भरा जा रहा है, तो माइनस का मतलब कि एक हो जाएगा। ये माइनस का एक क्यों लिखा है वो आपको पता चल गया होगा कि माइनस पांच में से प्लस का चार घटाएंगे तो माइनस का एक, मतलब कि क्या हो गया, माइनस एक खाली हो रही है। माइनस का मतलब क्या हुआ, खाली, कि माइनस के पांच में से प्लस का चार गया तो माइनस का एक बचा, और माइनस का आ रहा है मतलब खाली हो रही है, एक की स्पीड से खाली हो रही है, बीस खाली करनी है, तो बीस बटे एक कितना घंटे लगेंगे, बीस घंटे लगेंगे। समझ में आ गया ना कैसे किया है, ये सिर्फ कैपेसिटी थी लेकिन कैपेसिटी को माइनस में लिख देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि खाली करने वाला पाइप है, और अगर खाली करने वाले की कैपेसिटी ज्यादा है तो टंकी खाली होगी, और अगर भरने वाले की कैपेसिटी ज्यादा है तो टंकी भरी जाएंगी। कभी कभी ऐसे दे दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें, और इसमें पूछ लिया जाता कि टंकी कितने समय में भरी जाएगी, क्योंकि भरी तो जा ही नहीं सकती, तो यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाता, ठीक है, टंकी भरी नहीं जा सकती या आंकड़े अपर्याप्त है या कुछ भी और मिलता, आपको ऐसी चीज मिलती जिसका सोल्यूशन ना निकल पाए। आगे देखिए क्या है, काम और समय वाला ही है, एमडीएच मसाले वाला जो हमने किया था वही है। क्या है कि छह घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 पंप एक पूरे जलाशय को 15 दिन में खाली कर सकते हैं। तो छह घंटे काम कर रहे हैं, कितने पंप हैं, 12 पंप हैं और 15 दिन काम किया जा रहा है, बटे में हम लिख देंगे कितने, 9 घंटे काम करके और 12 दिन में कितने में होगा, तो यहां पर एक्स का मान हम निकालेंगे, ठीक है, x का मतलब क्या है यहां पर, ठीक है, कितने घंटे काम करना है ये हमें निकालना है, तो काट देंगे 12 से 12, 3 तीन 9, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 5 गुना 2 कितना हो गया, 10 हो गया, तो 10 आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। समझ में आ गया ना, सारा कुछ दिया हुआ था जैसे हम कर रहे थे ना, एम डी एच, ठीक है, मैन, एम का मतलब था काम करने वाले व्यक्ति, तो काम करने वाला 12 पंप हो गया, 12 पंप काम कर रहे हैं, डी मतलब दिन, तो कितने दिन, 15 दिन काम कर रहे थे, एच मतलब हावर, कितने घंटे काम कर रहे थे, 6 घंटे काम कर रहे थे, ठीक है, यही चीज है। आगे देखिए क्या है कि एक खाली टंक ए द्वारा 4 घंटे में, बी द्वारा 6 घंटे में भरा जा सकता है, तो ए है उसे 4 घंटे में भरता है, बी उसे कितने घंटे में, 6 घंटे में भरता है, तो एलसीएम आ गया 12,
तीन और दो इनकी कैपेसिटी आ गई। आगे क्या बोला गया, यदि दोनों पाइप ए से आरंभ करके बारी बारी से एक घंटे के लिए खोले जाएं, यानी पहले ए से शुरुआत होगी, पहले ए पाइप को खोला जाएगा, फिर उसको एक घंटे बाद बंद कर दिया जाएगा, फिर बी को खोला जाएगा, फिर उसके बाद बंद करके ए को फिर से खोला जाएगा, बारी बारी भरना है। तो पूछा है कि टैंक कितने समय में भर जाएगा, ये हमें बताना है। तो देखिए यहां पर दोनों मिलकर पांच भरेंगे, लेकिन कितने घंटे में भरेंगे, दो घंटे में भरेंगे, ठीक है, क्योंकि एक घंटे में तीन, दूसरे घंटे में दो, पांच भरेंगे दो घंटे में। तो यहां पर 12 है तो 5 से भाग देंगे तो 10 पे जा रहा है, तो 2 से तो पूरा पूरा जा रहा है, ठीक है, 2 से तो क्या जा रहा है, पूरा पूरा जा रहा है, तो 2 को 2 घंटे से गुना करेंगे तो 4 घंटे तो ये हमारा निकल के आ गया, ठीक है। इसके बाद कितना बच गया, 2 बच गया, अब कौन भरेगा, ठीक है, पूरे पूरे में क्या एक ही है, एक ही है, एक ही है, एक ही है, ये हो गया, अब भरेगा ए, ए वाला भरेगा, जैसे पहले वाले क्वेश्चंस में किया था, ए वाला भरेगा, लेकिन भरना 2 है और भरेगा कितना, 3, ठीक है, सॉरी 3 की स्पीड से भरता है और भरना है 2, तो 2/3 का, अगर 2/3 का दिया हुआ है, 2/3 में दिया हुआ है, अगर मिनट में पूछा होगा तो मिनट के लिए 60 से गुना कर देंगे, तो 3 से जाएगा 20 पे तो 40 मिनट हो जाती, ठीक है, ठीक है, लेकिन मिनट में नहीं पूछा, हमसे घंटे में ही पूछा, तो 4 घंटे, 4 सही 2/3 घंटे में भरा जाएगा, ठीक है, 4 सही 2/3 घंटे में, ऑप्शन नंबर 3 में ही दिया हुआ, 4 सही 2/3 घंटा, समझ में आ गया ना सभी को किस तरीके से किया गया है, ठीक है, कोई डाउट इसमें नहीं रहना चाहिए, पहले वाले क्लास है सेम वैसा ही है। आगे देखिए क्या है कि एबीसी मिलकर किसी पानी के खाली टैंक को 10 मिनट में भर सकते हैं, एबीसी A प्लस बी प्लस सी कितने, 10 मिनट में, A इसे 30 मिनट में भर देता है, B इसे 40 मिनट में भर देता है, तो पूछा है C कितने मिनट में भरेगा, ये हमसे पूछा गया है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें ज्यादा हार्ड है नहीं ये क्वेश्चंस, ठीक है। देखिए क्या क्या करना है हमें, इसका एलसीएम लेंगे, सबसे पहले कितना आ गया, 120 आ गया, यहां से 12, यहां से 4 और यहां से 3, ये इनकी कैपेसिटी आ गई, ठीक है, ये तीनों की कैपेसिटी है 12, जिसमें से ए और बी की घटा देंगे तो सी की आ जाएगी, ए और बी की कितनी है 7, तो सी की कितनी आ गई कैपेसिटी, 5 आ गई। अब 120 को करना है 5 के स्पीड से, तो 5 × 10, 5 × 20 या 24×5 = 120, तो 24 मिनट क्या हो जाएगा आपका, यहां पर आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, अगर आपने काम और समय की क्लास देखी होगी तो ये आपके लिए बिल्कुल इजी लग रहा होगा, और अगर आपने नहीं देखी तो वो आपकी गलती है, ठीक है, आपको देख लेनी चाहिए, पहले स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि पहले उस क्लास को देखिए। आगे देखिए क्या है कि एक टंकी को नल ए द्वारा 2 घंटे में भरा जा सकता है, ठीक है, और बी द्वारा 6 घंटे में, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि ए है वो 2 घंटे में भरता है और बी है वो 6 घंटे में भरता है, एलसीएम आ गया 6, 3 और 1 इनकी क्षमता आ गई, ठीक है। आगे देखें क्या बोला गया, प्रातः 10 बजे ए को खोल दिया गया, प्रातः 10 बजे ए को खोल दिया गया, ए 3 भर रहा है तो इसको 10 बजे खोल दिया गया, तदनुसार यदि नली बी को 11 बजे खोल दिया जाए, अब इसको 11 बजे खोला गया है, ठीक है, तो टंकी किस समय तक पूरी भर जाएगी ये हमें बताना है। तो देखिए पहले 10 बजे खोला गया तो 10 से 11 बजे तक ये 3 भर चुका होगा, ठीक है, तो 6 में से 3 गया, 3 बच गया, अब 3 को भरना है, और अगर दोनों नल को खोल दिया जाए, दोनों नल मिलकर करेंगे कितना, 4 भरेंगे, ठीक है, कितना भरेंगे, 4 भरेंगे, भरना 3 है, 4 भरेंगे, मिनट में निकालना है तो 60 से गुना करेंगे जैसे मैंने अभी आपको बताया था, और 15 × 3 कितना हो जाएगा, 45 मिनट। तो देखिए क्या 11 बजे इसको खोला गया था दूसरे वाले नल को, तो 10 बजे शुरुआत हुई, उसके बाद क्या बज गए, 11 बज गए, 11 बजे ये दोनों नल खोल दिए गए, ठीक है, 11 बजे बी को खोला गया ना, तो दोनों नल खुल गए, उसके बाद इन्होंने 45 मिनट में भर दिया, तो कितने बजे भर जाएगा टैंक, 11:45 पे, ठीक है, और वो भी सुबह 11:45 पे, समझ में आ गया ना किस तरीके से किया है, मिनट कैसे निकालते हैं, क्योंकि 3 भरना था, 3/4 हो गया, और मिनट निकालने के लिए 60 से हम गुना कर देते हैं, जो मैं आपको पहले ही बता चुका था। आगे देखिए क्या है कि दो नलियां पी और क्यू एक टैंक को 20 मिनट में भर सकती हैं, ठीक है, पी प्लस क्यू है उसको कितने मिनट में भरती है, 20 मिनट में, पी अकेला उसे 30 मिनट में भर सकता है,
तो क्यों अकेला कितने समय में भरेगा? अगर ये क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा ना आपको, तो इसका मतलब आप कुछ भी नहीं सीख रहे। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बता देना, ठीक है, खुद निकाल लेना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आपको पता कि दो का दिया हुआ है, एक का, दो के में से एक की कैपेसिटी निकाल देंगे, एक की बचेगी उसको बस टोटल से भाग दे देंगे, आंसर निकल जाएगा। आगे देखिए क्या है कि पाइप ए एक टैंक को 4 घंटे में भर सकता है, बी ओ 6 घंटे में भर सकता है, बारी बारी खोल दिया जाए, ठीक है। तो देखिए कर लेते हैं, ए 4 घंटे में, बी 6 घंटे में, एलसीएम आ गया 12, 3 और 2, ठीक है, दोनों 5, तो 5 × 2 = 10, 4 सही, ये तो हम कर चुके हैं शायद, ठीक है, सेम क्वेश्चन है शायद, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है, करवाना आवश्यक नहीं है। आगे देखिए क्या है, एक नल 30 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है, खाली कर रहा है एक नल, ए नल है वो 30 मिनट में खाली कर सकता है, दूसरा नल 45 मिनट में खाली कर सकता है, बी वाला 45 मिनट में। इस बार देखिए दोनों क्या है, खाली करने वाले नल है, पहले क्या था कि दोनों नल भरने वाले थे, फिर क्या हुआ, एक खाली करने वाला था एक भरने वाला था, इस बार क्या है, दोनों खाली करने वाले नल हैं, ठीक है, ये 45 में भरता है, तो पहले एलसीएम ले लेते हैं 90, यहां से 3 और 2 इनकी क्या आ गई, कैपेसिटी आ गई, इनकी क्षमता आ गई, और एलसीएम ये हमारा टोटल हो गया। आगे देखिए क्या बोला गया, यदि दोनों नल साथ साथ खोल दिया जाए तो टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा? बिल्कुल ईजी है, 5, दोनों 5 की स्पीड से खाली करेंगे, खाली कर रहे हैं तो इसलिए माइनस लगा देते हैं, तो माइनस का 5 है, दोनों एक जैसे है तो लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, तो 90/5 करना है, 5 × 5 5×8 = 40, 18 मिनट आपका यहां पर आंसर हो जाएगा, कितने मिनट में खाली हो जाएगा, 18 मिनट में। समझ में आ गया सभी को, ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बस ये है कि अगर दोनों खाली करने वाले दे दिए जाए तब कैसे करेंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है, सेम वैसा ही एज इट इज, बस खाली करने वाले के नाम से स्टूडेंट घबराए ना। ये अगली टाइप का क्वेश्चन आ गया, क्या है, यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, तो 1/3 भरा हुआ है तो उसमें कितना लीटर पानी है, 80 लीटर पानी है, तो मैंने क्या बताया था, ये इसका मान होता है, इसका मान निकालते ही पूरा मान निकल जाएगा, तो ये कितना हो गया, 1 = 80, 3 = क्या हो गया, इसको 3 से गुना कर देंगे, 80 × 3 कितना हो गया, 240 लीटर। अगर हमसे ये पूछेगा कि टंकी में कुल कितना पानी भरा जा सकता है, तो हो जाएगा 240 लीटर, लेकिन इसमें और कुछ पूछा गया है, तो उसके आधे भरे होने पर उसमें कितना पानी आएगा, ये पूरा भरा हुआ है, आधे भरा हुआ है तो मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 120 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहां पर 240 भी ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, स्टूडेंट भाग के इसी को आंसर कर देंगे, नहीं, इसलिए बोलता हूं कि क्वेश्चंस की लास्ट लाइन तक आपको ध्यान से पढ़ना है, इसमें क्या पूछा है, तो उसके आधे भरे होने पर उसमें कितना पानी आएगा, तो 120 लीटर उसका आंसर होगा, 240 नहीं होगा, ठीक है। अगर ये पूछता कि टंकी में कुल कितना पानी भरा जाएगा, तब हमारा 240 हो जाता, ठीक है, इसलिए छोटी छोटी गलतियां है ना जो स्टूडेंट पेपर में करते हैं और उनके नंबर है वो कम हो जाते हैं। क्वेश्चन आता है, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं ना कि मुझे क्वेश्चन आता है लेकिन फिर भी मैं स्कोर नहीं कर पाता, उसके पीछे का रीजन यही होता है कि वो छोटी छोटी गलतियां नहीं पकड़ता, ठीक है। आप प्रवीण कटारिया क्लासेज के चीते हो तो आपको छोटी छोटी चीजें बता दी जाएंगी ताकि आप गलतियां ना करो। अब क्या है कि किसी टैंक के 1/4 भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी आता है, तो 1/4 भरा हुआ है तो उसमें आता है 135 लीटर, ठीक है, 1 = 135, तो 4 = कैसे होगा, तो इसको गुना करने का सिंपल तरीका है, या तो इसको डायरेक्ट गुना कर दो, या आप करो कि अगर 100 होता तो ये 400 हो जाता, 30 होता तो ये 120 हो जाता, और 20 ये हो जाता, अब इसको जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, ये 540 लीटर, ठीक है। तो अगर हमसे ये पूछेगा कि टंकी में कुल कितना पानी आएगा, तो वो हो जाएगा आपका 540 लीटर, लेकिन ये नहीं पूछा गया, इतना इजी थोड़ी ना पूछेगा, थोड़ा सा तो पेपर के हिसाब से थोड़ा सा तो घुमाएगा, ठीक है, इतना इजी नहीं पूछेगा। यदि उसमें 180 लीटर पानी है तो टैंक में कितने भाग में पानी भरा हुआ है, पहले तो सिर्फ यही पूछा था, देखिए पहले वाले में पूछा था कितने लीटर पानी आएगा काट पीट के, इसमें अगर भाग पूछ ले जाए तब कैसे करेंगे बिन के रूप में, तो देखिए 180 लीटर है वो 540 का कितना है, 180/540 काटेंगे 0 से 0, 1 और 3, तो 1/3 आ जाएगा, क्योंकि 18 × 54 होता है, तो 1/3 क्या हो जाएगा आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना, 180 है वो 540 का कितना भाग है यही हमें बताना था,
आगे देखिए क्या है कि एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, जब टंकी आधी भर जाती है तो इस प्रकार के 3 नल और खोल दिए जाते हैं। तो टंकी को पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा ये हमें बताना है। तो देखिए इसके लिए क्या करना है कि कोई एक नल होता तो वो इसको 6 घंटे में भरता, ए नल होता तो वो 6 घंटे में भर देता, लेकिन अभी टंकी आधी भर गई है तो अब कितने घंटे का पानी बचा हुआ है, 3 घंटे का। तो अगर एक नल होता तो वो इसको 3 घंटे में भर देता, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया ऐसे 3 नल और खोल दिए जाए। तो एक तो पहले से था, अब 3 नल और आ गए, तो कुल नल कितने हो गए, 4 हो गए। तो अब 4 नल है वो कितने में करेंगे, 3/4 में इसको भर देंगे। मिनट निकालनी है तो 60 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 15, 15 कितना 45 मिनट, ठीक है। लेकिन 3 घंटे तो इसने अकेले ने भरा था, तो 3 घंटे ये और 45 मिनट वो, 3 घंटे 45 मिनट आपका आंसर हो जाएगा, कितना 3 घंटे 45 मिनट, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है ना, 3 घंटे 45 मिनट वो आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना कैसे किया, क्योंकि 3 घंटे तो इसने अकेले ने भरा, अब जो काम बच गया वो 3 घंटे का बच गया, एक होता अकेला ये होता तो 3 घंटे में भरता, अब 3 और आ गए मतलब 4 हो गए, तो 4 कितने में भरेंगे, 3/4 में, मिनट निकालने के लिए 60 से गुना कर दिया, 45 मिनट आ गई, 3 घंटे इस अकेले ने भरे और 45 मिनट इन चारों ने मिलकर भरा, तो कुल कितने हो जाएगा, 3 घंटे 45 मिनट, यही हमसे पूछा था। आगे देखिए क्या है कि नलियां ए तथा बी एक टैंक को क्रमशः 6 घंटे में और 4 घंटे में भर सकती हैं, यदि उन्हें हर घंटे बारी बारी खोला जाए और एक को पहले खोला जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है, शायद मुझे करवाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं इसलिए करवा रहा हूं, यहां पर मैंने दिखाया है। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं ना सर आप एसएससी एमटीएस के लिए नहीं करवा रहे हो, भाई एसएससी एमटीएस का ही है, इतना इजी पूछा जाता है। हम जो लेवल करवा रहे हैं ना वो आप चाहे एसएससी जीडी का दे रहे हो, क्योंकि हमारा टारगेट है एसएससी जीडी में बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन करवाना, इसलिए हम इसके लिए क्लास कर रहे हैं, वरना ये आपके लिए एमटीएस वालों के लिए भी है, ठीक है, आपके सीएचएसएल वालों के लिए भी है, आपके यूपीएसआई वालों के लिए भी है, आप एचएसएससी की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी ये मैथ है, और भी कंपटीशन डीआरडीओ वाले हो उसके लिए भी है, आपकी जो है आरआरसी ग्रुप डी वाले हैं उनके लिए भी है, ठीक है। जो हम लेवल करवा रहे हैं ना इससे बाहर आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, चाहे वो एमपी पुलिस का हो कोई, या यूपी पुलिस, यूपी कॉन्स्टेबल, यूपीएसआई का हो, या कोई भी कंपटीशन एग्जाम का हो जिसमें मैथ पूछा जाता है, ठीक है, जो टॉप लेवल के एग्जाम को छोड़कर, सिर्फ सीजीएल और सीपीओ को छोड़कर, इसके अलावा कोई भी कंपटीशन एग्जाम है ना उनके लिए यही लेवल आपके लिए बेस्ट है। तो हम टॉप लेवल आपके लिए करवा रहे हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे ना जो एसएससी जीडी के साथ साथ और भी पेपर देने वाले होंगे, जैसे ये लिखा हुआ है ना इनमें और भी कोई पेपर देने वाले होंगे, ठीक है, तो टेंशन मत लिया करो, बस क्लास को कंटिन्यू देखो, आपके लिए जबरदस्त क्लास आ रही है। आगे देखिए क्या है कि एक लड़का एक लड़की ने मिलकर किसी होज के पानी को भरते हैं, लड़का प्रत्येक 3 मिनट में 4 लीटर भरता है, तो लड़का वो क्या करता है 3 मिनट में 4 लीटर भरता है, 1 घंटे का निकालना है तो 60 मिनट में कितना करेगा, इसको 20 से गुना करेंगे तो 60 मिनट का आ जाएगा इसका, 60 मिनट 1 घंटे का, तो 20 से गुना क्या है तो 80 लीटर भरेगा। यहां पर लड़की क्या कर रही है, लड़की है 4 मिनट में 3 लीटर, 4 मिनट में क्या कर रही है लड़की 3 लीटर भर रही है, ठीक है, तो यहां पर 60 करने के लिए इसको 15 से गुना करेंगे, 1 घंटे का आएगा ये, और इसको भी 15 से गुना करेंगे 45 लीटर, लड़का भर रहा है 80 लीटर, लड़की भर रही है कितना 45 लीटर, तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना भर रहे हैं 125 लीटर दोनों मिलकर 1 घंटे में भर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया कि होज में 100 लीटर पानी भरने के लिए कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा है, 1 घंटे में दोनों कितना भर रहे हैं 125 लीटर, तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर देता हूं, यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है, इधर सोल्व करते हैं कि 125 लीटर भरने के लिए उनको समय कितना लग रहा है, उनको समय लग रहा है 60 मिनट का, ठीक है, भरना कितना है 1 लीटर के लिए क्या लगेगा 60/125, भरना कितना लीटर है 100 लीटर भरना है तो गुना में 100, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 12 पंजे 60 और 12 चौके 48 मिनट, ठीक है, तो हमसे यही पूछा गया था बस,
कि जो 100 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा, 48 मिनट है, वो इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन इसमें नहीं दिए हुए लेकिन करेक्ट आंसर है, ठीक है, टेंशन मत लेना, बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आया ना कैसे किया कि 3 मिनट में भर रहा है 4 लीटर, तो 60 मिनट क्योंकि 1 घंटे का हमें निकालना है तो हमारा इजी बन जाता है, तो 1 घंटे का निकालेंगे 80 लीटर भरेगा लड़का, और जो लड़की है वो कि 4 मिनट में भर रही है तो 15 से गुना करेंगे 45 लीटर भरेगी 1 घंटे में, दोनों मिलकर कितना भरेंगे 125 लीटर, तो 125 लीटर भरा जा रहा है 60 मिनट में, हमें 100 लीटर का निकालना था तो वो हो जाएगा हमारा 48 मिनट, और जो क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये नल और होद से वो क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं।